हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। इससे पहले के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी तक कवर किया था। हम लोगों ने यह भी देखा था कि बेसिकली मार्केट रिफॉर्म्स या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स है अलाउद्दीन खिलजी के समय काल के क्या रहे और क्या क्या उन्होंने इनिशिएटिव लिया, क्या डेवलपमेंट्स हुए, इन सब के बारे में चर्चा की थी। और हमने ये भी बताया था कि कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कौन कौन से लिटरेचर्स जो क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं, इन सब को भी कवर किया था। अपने अगले लेक्चर सीरीज में आज हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। और तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले तो आप पीरियड देख लो, 1320 से 1414 तक के पीरियड का जो रूलिंग रहा है वो तुगलक का डायनेस्टी का रहा है। और जो आपके फर्स्ट रूलर है वो है आपके घियासुद्दीन तुगलक, और घियासुद्दीन तुगलक ही आपके फाउंडर है तुगलक का डायनेस्टी के। और इन्होंने बेसिकली गाजी टाइटल भी अपनाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरीगेशन, है ना। एंड इन्होंने स्ट्रॉन्ग फोर्ट कॉल्ड तुगलकाबाद नियर दिल्ली वो बनाया था, है ना। तो जो तुगलकाबाद फोर्ट, मतलब समझते हो क्या होता है फोर्ट, मतलब एक एरिया और उसको चारों तरफ से आप घेर देते हो बड़े बड़े विशाल वॉल की मदद से, तो वो आपका फोर्ट होता है ना। जैसे रेड फोर्ट हो गया, या फिर वो आपका जो साउथ इंडिया में भी वेरियस फोर्ट है, एंड नॉर्थ इंडिया में भी आप फोर्ट देखते हो, आगरा फोर्ट का एग्जाम्पल, सीरी फोर्ट का एग्जाम्पल, तो इसे हम फोर्ट कहते हैं। सो बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट कॉल्ड तुगलकाबाद नियर दिल्ली, तो ये सब हमने देखा। एंड आमिर खुसरू फेमस वर्क इनका तुगलक का नामा डील्स विद द राइज ऑफ घियासुद्दीन तुगलक। और आमिर खुसरू के बारे में हमने बताया था आपको, इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, इम्पोर्टेंट पोएट है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी ये मौजूद थे। तो देख सकते हो आमिर खुसरू फेमस वर्क तुगलक नामा, ये जरूर याद रखना है। तुगलक नामा वॉज द वर्क ऑफ आमिर खुसरू एंड इट डील्स विद द राइज ऑफ घियासुद्दीन तुगलक। एंड लेट्स मूव टू द सेकेंड रूलर, क्योंकि इनके बारे में आपको जानना होगा, क्योंकि इनके पीरियड में कहीं ना कहीं ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली। तो 1325 से 1351 एडी के बीच इनका बेसिकली पीरियड रहा है। और आपको ये पता ही होगा कि इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, लेकिन वो सही नहीं रह पाए, यानी कि सफल नहीं हो पाए। फॉर एग्जांपल, दिल्ली से दौलताबाद का कैपिटल का ट्रांसफर कहो, या फिर इन्होंने जो क्वाइंस इश्यू किया था, और उन्होंने अदर इनिशिएटिव लिए थे लेकिन सफल नहीं रहा। कहा जाता है कि ये अहेड ऑफ टाइम थे, लेकिन इनकी सोसाइटी अहेड ऑफ टाइम नहीं थी, इसलिए सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फेल हो गए। और हम देखते हैं क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किया था। लेकिन सबसे पहली बात तो देख सकते हो, हिज रिजीम मार्क्ड जेनिथ, जेनिथ यानी कि काफी राइज किया था, लेकिन इन्हीं की रिजीम ने फॉल भी किया। और इन्होंने मंगोल से भी लड़े, मंगोल इन्वेजन को इंडिया में होने से बचाया, एज वेल एज ये खास बात याद रख सकते हो, देख सकते हो, यहीं से आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलेगा। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तो मेरिट के आधार पर ये ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते थे, और सेकुलर पॉलिसीज ये चलाते थे, और जस्टिस सिस्टम जो है उलेमाज के लिए भी लागू किया करता था। तो उलेमाज जो है पावरफुल रिलीजियस पर्सन हुआ करते थे, और उनके ऊपर भी जस्टिस सिस्टम लगाया जाता था। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से इनका जस्टिस सिस्टम है, सेकुलर पॉलिसीज है, एज वेल एज मेरिट सिस्टम पर ये जो है ऑफिसियल्स को अपॉइंट करते थे। और इवन बतूता, ये आपको याद रखना है, ये वैसे नेटिव्स है मोरक्को के, और मोरक्को आपको ये पता है नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री है। और इवन बतूता कंटेम्प्रोरी रहे हैं मोहम्मद तुगलक के, एंड इनवॉय रह चुके हैं चाइना का, है ना। तो ये आप देख सकते हो। तो इबन बतूता के बारे में आपको ये जानना है, कंटेम्प्रोरी टू मोहम्मद तुगलक एंड वाज हिज इनवॉय टू चाइना। एंड ये बात आपको याद रखना है, ही वाज द ओनली दिल्ली सुल्तान रूलर, जी हाँ, इस पर अच्छे से याद रखना है, ही वाज द ओनली दिल्ली सुल्तान रूलर जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेरी हासिल की, रिलीजियस एज वेल एज फिलोसफिकल एजुकेशन। तो काफी ज्यादा ज्ञान तो था ही था, लेकिन ये ज्ञान का रस कहीं ना कहीं सोसाइटी से इनको नहीं मिल पा रहा था। इट इज ऑल बिकॉज की ये तो ज्ञानी, लेकिन समाज भी थोड़ा बहुत ज्ञानी रहना ही चाहिए। तो कुछ इस प्रकार की विचारधारा आप देख सकते हो। एंड हिज आइडियाज एडिसन डिसीजंस वेर अहेड ऑफ हिज टाइम, जैसा कि मैंने आपको बोला, एंड हेंस ही वाज नॉट सक्सेसफुल एज ए रूलर। तो एज ए लिटरेरियन ये तो सक्सेसफुल थे, एज ए एजुकेशनलिस्ट ये तो सक्सेसफुल थे, लेकिन रूलिंग की बात आई तो कहीं ना कहीं रूलिंग इनके हाथों में उतनी सफलतापूर्वक नहीं रही। एंड इन्होंने फोर्ट बिल्ड किया, फोर्ट ऑफ आदिलाबाद एंड द सिटी ऑफ जहांपनाह, ये आपको पता होना चाहिए, सिटी ऑफ जहांपनाह
इन्हीं के द्वारा बिल्ड किया गया। और इन्हीं के समय में देख सकते हो तीन मेजर किंगडम साउथ इंडिया के इमर्ज होकर निकले। वी हैव द विजयनगरा, वी हैव द बहमनी एंड वी हैव द मदुरई। एंड वी हैव, ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद तुगलक के क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए। तो देख सकते हो ट्रांसपोर्ट कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, और देवगिरी इज नोन एज दौलताबाद, आपको ही पता है। एंड शिफ्टेड बैक 2 ईयर्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि पहले इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया, 2 साल बाद दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। तो पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था टोकन करेंसी के ऊपर, इन्होंने ब्रॉन्ज क्वाइंस इश्यू किया था, वो भी एट पार विद द वैल्यू ऑफ सिल्वर टाका, यानी कि जो सिल्वर टाका की वैल्यू होगी वही ब्रॉन्ज क्वाइंस की वैल्यू होगी। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, ओवरऑल देखा जाए तो सिल्वर टाका का जो वैल्यू है वो तो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो सिल्वर में जो मटीरियल्स है, मिनरल्स है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, काफ़ी ज़्यादा रेयर मिलते हैं, जबकि आपके ब्रॉन्ज क्वाइंस में जो आपके मिनरल्स मिलते हैं वो इजीली मिल जाते हैं। लेकिन वैल्यू के टर्म्स में इनको दोनों को बराबर कर दिया। और एज पर द ग्रिशम्स लॉ, आप भी जानते हैं इकोनॉमिक्स में, बैड मनी ऑलवेज ड्राइव द गुड मनी। तो हुआ ये कि सिल्वर टांका तो सबके जेब में चला गया, इसको तो कोई खर्च नहीं कर रहे थे, ब्रॉन्ज क्वाइंस को सब खर्च कर रहे थे। और इतना ही नहीं, जो फेक मिंटिंग ऑफ द ब्रॉन्ज क्वाइंस ये भी प्रचलन में आ गया, और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो उसकी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि फेक करेंसी ज़्यादा आ गए। तो जाहिर सी बात है करेंसी का जो अमाउंट है इकोनॉमी में वो बढ़ गया, इसके कारण जो क्राइसिस है इकोनॉमी में वो आने लग गई थी। एंड ये देख सकते हो बाद में दोनों को विद्रॉ कर लिए। और ये भी आप देख सकते हैं, ही लॉन्च द खरोशन प्रोजेक्ट। एंड खरोशन प्रोजेक्ट क्या था? तो बेसिकली इट वॉज ए प्रोजेक्ट टू डील विद द थ्रेट ऑफ चाइनीज इनकर्जेंस, कि चाइना जो है वो इन्वेट कर सकता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के तहत चाइनीज इनकर्जेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनिशिएट किए थे, लेकिन ये भी फेल हो गया। एज वेल एज क्यूरार्ची एक्सपीडिशन, और क्यूरार्ची एक्सपीडिशन की बात करें तो देख सकते हो ये कुमाऊं हिल्स में लॉन्च किया गया था, ये भी कुछ इसी प्रकार से था, टू काउंटर द थ्रेट ऑफ चाइनीज इनकर्जेंस, ये भी फेल हो गए। एंड इन्होंने ये देख सकते हो, ये इसलिए कहा जाता है ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम, बट उनको कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पाए, या फिर यूँ कह सकते हो कि जो इनका एक्सपेरिमेंट होता था वो सफल ही नहीं हो पाता था। तो यहाँ पर देख सकते हो ही सेट अप दीवाने आमिर को ही, या फिर दीवाने को ही, जिसको आप कहते हो इट इज ए डिपार्टमेंट जो कल्टीवेशन लोन एक्सटेंड करती थी कल्टीवेटर्स को, जिसको हम टकावी लोन्स भी कहते हैं। याद रखना, टकावी लोन्स इज द लोन्स विच वॉज एक्सटेंडेड फॉर कल्टिवेशन। बट ये भी फेल क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉरप्ट ऑफिसर्स बैठे हुए, तो इनकी नियति आप देख सकते हो अच्छी थी, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन में इश्यू आ जा रहा था, कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का एक्सेप्टेंस इनके एक्सपेरिमेंट्स का नहीं हो रहा था, जिसके कारण इनको ये सब परेशानियां झेलनी पड़ी। तो याद रखना, दीवाने को ही की बात करें तो सेपरेट डिपार्टमेंट जो आपका थ्रेट को डील करेगा ऑफ द चाइनीज इनकर्जेंस, ये भी फेल हो गया। एंड नाउ वी कम टू द फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 के बीच इनका रूलिंग पीरियड रहा। एंड ये भी आपका तुगलक का डायनेस्टी ही है, आपको भी पता है। और इन्होंने बेसिकली पॉलिसी अपनाई कि जो नॉवल्स है उनको भलाया फुसलाया जाए, इनको अपने केयर में रखा जाए, आर्मी हो थियोलॉजियंस हो इनको बेसिकली नाराज होने ना दिया जाए। और इतना ही नहीं, ये इतने कह सकते हो कि वीक थे, या फिर इतने ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं थे, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो अथॉरिटी है वो वहीं तक एक्सटेंड होती थी जहां तक वो इजीली एडमिनिस्टर कर सकते थे फ्रॉम द सेंटर, है ना। इसका मतलब अगर इनको लेट से कि दिल्ली और एनसीआर तक ही सक्षमता है कि भाई साहब हमसे डायरेक्टली इतना ही कंट्रोल हो सकता है, तो बस इसी में ये संतुष्ट है, यानी कि इनकी इच्छा जो है एक्सपेंड करने की वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, जैसा कि आपने प्रीवियस रूलर्स में देखा था। और देख सकते हैं, याद रखना इसको आपको, अपॉइंटेड खान ए जहां मकबर, जो कि तेलुगु ब्राह्मण थे, वजीर के रूप में या फिर प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो ये याद रखना है, अपॉइंटेड खान ए जहां मकबर तेलुगु ब्राह्मण एज वजीर या फिर प्राइम मिनिस्टर। एंड इन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी है वो आर्मी तक को एक्सटेंड कर दी, नोबिलिटी तक को एक्सटेंड कर दी। एंड जो एकता सिस्टम है, न सिर्फ इसको रिव्यू किया गया बट ऑल्सो मेड हेरिडेटरी। कैसे? क्योंकि देख सकते हो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी है वो आर्मी तक एक्सटेंड कर दी गई। और इतना सिस्टम में होता क्या था कि जो भी व्यक्ति सर्विसेज ऑफर कर रही हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन को या किंग को, उनको कैश के बदले इकता लैंड दे दिया जाता था। एंड बदले में वो जो है उसका इस्तेमाल कर सकते थे
वेरियस पर्पसेस के लिए, तो अब जो है एकता सिस्टम को भी इन्होंने हेरिडिटरी कर दिया था। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कहीं ना कहीं एकता सिस्टम को हेरिडिटरी बना दिया। एकता सिस्टम तो पहले ही था, और आप हमें बताइए कि एकता सिस्टम लॉन्च कौन किया था, हमने डिस्कशन किया था। एंड मलिक सरवार की बात करें तो ये प्रोमिनेंट नोबल रहे हैं एंड वजीर भी रह चुके थे कुछ समय के लिए, लेकिन आप देख सकते हो ये इतने ज़्यादा पावरफुल नोबल के रूप में उभरे कि उन्होंने इंडिपेंडेंसी की मांग कर ली, एज वेल एज उन्होंने टाइटल भी अडॉप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड मलिक असर्क, यानी कि लॉर्ड ऑफ द ईस्ट। तो धीरे धीरे जहाँ पर इन्होंने इंडिपेंडेंसी अडॉप्ट की वो था आपका जौनपुर का इलाका, और उसे सिराज ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। तो देख सकते हो मलिक रूल्ड फ्रॉम जौनपुर एंड इट वॉज कॉल्ड सिराज ऑफ द ईस्ट। एंड मलिक मोहम्मद जैसी, जिनके बारे में हमने बात की थी, इन्होंने पद्मावत जो कहानी है वो लिखी थी, और ये जौनपुर से ही बिलोंग करते थे, हमने आपको बताया भी था। और देख सकते हैं थियोलॉजियंस यानी कि जो रिलीजियस पर्सन्स होते थे, है ना, जैसे जो रिलीजियस पर्सन्स होते थे उनको थियोलॉजियंस कहे जाते हैं। सो टू अपीज द थियोलॉजियन, तो थियोलॉजियंस को मनाने के लिए देख सकते ये क्या क्या स्टेप्स या डिसीजंस लिया करते थे। पहला, इन्होंने प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वोमेन गोइंग आउट टू वर्शिप इसको प्रोहिबिट कर दिया है ना, तो ये सब याद रखना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो क्या हो रहा है डेवलपमेंट अगर हम देखें फिरोज शाह तुगलक के समय काल में, तो आप देख सकते हो प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वोमेन गोइंग आउट टू वर्शिप, एज वेल एज ये थियोलॉजियंस को कंसेशन दिया करते थे, टैक्स कंसेशन दिया करते थे। एंड ये यहाँ पर देख सकते हो जजिया को सेपरेट टैक्स के रूप में इनके द्वारा कलेक्ट किया जाने लगा। पहले क्या था, लैंड रेवेन्यू के साथ साथ आपको जजिया इंक्लूड होता था, और क्या जजिया में एग्जेम्पशन था, तो हाँ यहाँ पर था, चिल्ड्रेन वोमेन डिजेबल्ड ये एग्जेम्प्टेड थे। एंड साथ ही साथ इन्होंने सारे वॉल पेंटिंग्स को अपने पैलेसेस से हटवा दिए, एंड इन्होंने बहुत सारे कैनाल्स कंस्ट्रक्ट भी किए और इम्प्रूव भी किए ऑफ द एग्जिस्टिंग कैनाल। एंड ये याद रखना है फिरोज शाह तुगलक के समय काल में इन्होंने हॉस्पिटल सेटअप किया पुअर के लिए, और हॉस्पिटल्स को दर उल शिफा कहा जाता था, याद यही रखना है आपको। ही सेटअप हॉस्पिटल्स फॉर द पुअर कॉल्ड दर उल शिफा, और इन्होंने हिसार और फिरोजाबाद जो सिटी है उनको इस्टेब्लिश किया। और ये तीन बातें आपको याद रखनी है कि इनके समय काल में तीन नए डिपार्टमेंट सेटअप हुए, एक तो आपका है दीवाने खैरात, एंड दीवाने खैरात यानी कि जो पुअर गर्ल्स हुआ करती थी उनकी शादी में दिक्कतें आती थी, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने के लिए कि इनकी शादी हो जाए उनके लिए ये डिपार्टमेंट हुआ करता था, सर्टेन प्रोविजन सर्टेन बेनिफिट्स ऑफर किए जाते थे इन डिपार्टमेंट के द्वारा, एज वेल एज डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक वर्क इसे सेटअप किया गया, एज वेल एज दीवाने बंदगन एंड दिस डिपार्टमेंट वाज डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। तो देख सकते हो ये तीन डिपार्टमेंट आपको अच्छे से याद रखना है, दीवाने खैरात, डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक वर्क एंड दीवाने बंदगन। एंड इन्होंने दो नए क्वाइंस इंट्रोड्यूस किए, वी हैव द आधा एंड वी हैव बिच, तो ये दो क्वाइंस आपको याद रखने हैं, आधा और बिच। एंड इन्होंने दो अनसक्सेसफुल एक्सपेडिशंस बंगाल की तरफ बंगाल को कंक्वायर करने के लिए किए थे, लेकिन सफल नहीं हुआ, ये याद रखना है, अनसक्सेसफुल की बात की जा रही है, सक्सेसफुल नहीं, क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं, आप गलत कर दोगे। एंड बंगाल बिकम फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड उन्होंने रॉयल फैक्ट्रीज जिसको आप कारखाना कहते हो उसको भी सेटअप किया, जहाँ पर थाउजेंड ऑफ स्लेव्स वेर इम्प्लॉयड। एंड ये जरूर याद रखना कि इन्होंने चार टैक्सेस को इम्पोज करवा दिया विच वॉज सेंक्शन या अप्रूव्ड बाय इस्लामिक लॉज कह सकते हो, है ना। पहला है आपका खराज, एंड खराज वॉज कॉल्ड एज लैंड टैक्स, रट लेना इसे अच्छे से, ये जो चार टैक्स हैं जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाए एज पर द इस्लामिक लॉज कह सकते हो, इस्लामिक अकॉर्डेंस कह सकते हो। पहला है आपका खराज, खराज इज लैंड टैक्स। दूसरा है आपका खाम्स, खाम्स यानी कि जो भी वॉर होती थी और उसमें जो प्रॉपर्टी लूट के लाए जाते थे उसका 1/5 राजा को दिया जाएगा, इसको खाम्स कहा जाता था। एंड वी हैव द जजिया, इसके बारे में तो हमने देखा ही, इट वॉज सेपरेट टैक्स जो हिंदूज के ऊपर लगाए जा रहे थे, जजिया लगाया गया। एंड वी हैव द जकात, और जकात इज 2.5% ऑफ द इनकम ऑफ मुस्लिम्स विच वॉज स्पेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम सब्जेक्ट एंड द रिलीजन, यानी कि जो भी मुस्लिम्स के इनकम होते थे उससे 2.5% लिया जाता था, सो दैट इज एक्युमुलेटेड इनकम को या फिर जो रेवेन्यू है उसको वेलफेयर फॉर द मुस्लिम सब्जेक्ट के लिए खर्च किया जा सके, उनके रिलीजन्स के वेलफेयर के लिए खर्च किया जा सके। एंड ये भी याद रखना, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान
इम्पोज शराब, शराब यानी कि इरिगेशन टैक्स, याद रखना है अच्छे से ये डिटेल याद रखना है। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज शराब यानी कि इरिगेशन टैक्स। एंड वी हैव द नासिरुद्दीन मोहम्मद, एंड नासिरुद्दीन मोहम्मद की बात करें तो देख सकते हो 1390 से 1398 के बीच इनका पीरियड रहा है, एंड इसको अच्छे से याद रखना। ही वॉज लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, और तैमूर का जब इन्वेजन होता है 1398 में तो ये इन्हीं के समय में होता है, इसको अच्छे से याद रखना। तैमूर का जब इन्वेजन होता है तो इन्हीं के समय में होता है, अल्टीमेटली सल्तनत वीकेंड हो जाती है, जब वीकेंड होगा तो जाहिर सी बात है जो दूसरे पावर्स होंगे वो तो चाहत में है ही कि बस मौका मिले कि हम जो है इनको डिथोर्न करके खुद आ जाए, खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, अपनी अपनी इंडिपेंडेंट टेरिटरी बना दे, यही चलेगा आगे हम देखेंगे, है ना। देख सकते हैं तैमूर इंटर्ड दिल्ली देर वॉज नो अपोजिशन, इतने ज्यादा ये क्या कह सकते हैं कि असमर्थक शासक रहे कि जब तैमूर दिल्ली को एंटर किया फॉर फाइटिंग, इन्होंने कोई अपोजिशन ही नहीं दिया, ये बोला ठीक है भाई साहब ले लो आप ही खुश रहो धरती पर। तो देख सकते हो अल्टीमेटली तैमूर जो है, वैसे तो तैमूर आए तो थे लेकिन इन्होंने रूल बेसिकली अपना एस्टेब्लिश नहीं किया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को बेसिकली यहाँ पर गवर्न करने के लिए रख दिया था, और अल्टीमेटली वहीं से आपका आएगा सैयद डायनेस्टी। तो बीच में जो इंटरफेरेंसेस आपको देखने को मिलता है सैयद डायनेस्टी का, इट वॉज ऑल बिकॉज जो तैमूर आए थे और उन्होंने इन्वेट किया था, अल्टीमेटली जो कंटिन्यूटी थी दिल्ली सल्तनत की उसको खराब की थी, और सबका कारण आप देख सकते हो नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिन्होंने प्रयास ही नहीं किए लड़ने का, कोई अपोजिशन नहीं, आराम से ऐसा लगा कि गिफ्ट के तौर पर दे दिया जा रहा है शासन को। तो तैमूर जो है 1399 में विद्रोह किए इंडिया में, इन्वेजन तो 1398 में किया, एक साल बाद वो जो है विद्रोह किए और दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट हो गया 15th century आते आते, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स का निर्माण होने लगा। जाहिर सी बात है जब सेंट्रल रूलर कमजोर हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स का निर्माण होने ही लगेगा, जैसे मलवा में अलग, गुजरात में अलग, एंड अल्टीमेटली 1412 आते आते तुगलक एम्पायर ही डिसइंटीग्रेट हो गया। एंड अब देखो सैयद डायनेस्टी का फेज आएगा एंड 1414 से 1450 के बीच, एंड सैयद डायनेस्टी में जो आपका रूलर है वो है आपका खिजिर खान, और खिजिर खान 1414 से 1421 के पीरियड में रहे हैं। और आपको ही पता है ये कैसे आया, तो तैमूर जब वापस लौट रहे थे जीत कर तो उन्होंने खिजिर खान को गवर्नर ऑफ मुल्तान के रूप में नियुक्त कर लिया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मुल्तान से ये जो आपका खिजिर खान है वो एक्सपेंड करने लगेगा, मुल्तान से अदर एरिया में एक्सपेंड करेगा, अदर एरिया में एज वेल एज अदर एरिया, तो उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया, और दिल्ली को कैप्चर कर लिया यानी कि पावर को, सेंटर ऑफ पावर को कैप्चर कर लिया, अल्टीमेटली सैयद डायनेस्टी इन्होंने स्टैब्लिश करवा दी, क्योंकि अपोजिशन करने वाला आपको देख रहे हो कोई नहीं है, सब तो डिसइंटीग्रेटेड था, यूनिटी रहता तभी तो अपोज करते। तो अल्टीमेटली ही कैप्चर दिल्ली एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी इन 1444, और 1421 में बेचारे गुजर गए, एंड उसके बाद आता है आपका मुबारक शाह, ये 1421 से 1433 तक रहे, एज वेल एज उसके बाद आपका आता है मोहम्मद शाह 1434 से 1443, एंड आपका जो नेक्स्ट रूलर है दैट इज अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451, ये वीकेस्ट रहे हैं सैयद प्रिंसेस में से, और जब वीकेस्ट रहेंगे तो जाहिर सी बात है कोई और इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि थ्योरी तो यही है पावर का, अगर हम किंग और जो उसके दुश्मन है उनके बीच अगर देखें लड़ाई और जीत की, तो एक कमजोर होगा दूसरा मजबूत होगा, दूसरा कमजोर तीसरा मजबूत, वही हो रहा था। देख सकते हो जो आपके नेक्स्ट रूलर है अलाउद्दीन आलम शाह, ये वीकेस्ट रूलर रहे थे, इन्होंने क्या किया, हैंडेड ओवर द थ्रोन टू बहलूल लोदी एंड रिटायर टू बदीन, है ना, इन्होंने बोला ठीक है भाई साहब ये लो बहलूल लोदी साहब आप जो है इसका कार्यभार संभालो, हमको तो धरती पर बस आराम करने आए हैं, लड़ाई झगड़े में क्या रखा हुआ है। तो इस प्रकार की विचारधारा के साथ उन्होंने बहलूल लोदी को ट्रांसफर मार दिया एंड रिटायर टू बहलूल, एंड सैयद रूल्ड दिल्ली फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ओनली 37 years अमंग द दिल्ली सल्तनत। ये जरूर याद रखना, सैयद डायनेस्टी सबसे कम ईयर्स रूल करी हैं दिल्ली सल्तनत की, अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में पांच पावर थी ना, स्लेब हो गया, फिर आपका इल्तुतमिश वाला हो गया, फिर आपका तुगलक हो गया, फिर एक आपका जो सैयद है, तो पांच में से सबसे कम ईयर्स की रूलिंग सैयद डायनेस्टी की रही, इसको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आता है आपका लोदी डायनेस्टी, और लोदी डायनेस्टी देख सकते हो कैसे आया लोदी डायनेस्टी, तो बहलूल लोदी को ट्रांसफर मार दिया गया अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा, जो भी इनका पावर था, और बिना कोई टेंशन के जो बहलूल लोदी है वो गद्दी पर बैठ गए,
और आपको ये पता होना चाहिए इन पांचों डायनेस्टी में सिर्फ और सिर्फ लोधी डायनेस्टी ऐसा था जो अफगान डायनेस्टी था। इससे पहले जो भी रहा वो आपका तुरानियन रहा, तुर्क से बिलोंग करते थे, तुर्किस मुस्लिम थे। यहाँ पर आप देख सकते हो लोधी डायनेस्टी में अफगान डायनेस्टी है ये, एंड ही वॉज द फाइनल एंड फिफ्थ डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। एंड उन्होंने फाउंड किया किसके द्वारा, बहलूल खान लोधी के द्वारा, और सिकंदर लोधी उनके बाद सक्सीड किए उनको, यानी सिकंदर लोधी उनके पुत्र थे। और अगर हम बात करें सिकंदर लोधी के डिटेल्स की तो देख सकते हो 1489 से 1517 के बीच सिकंदर लोधी का पावर रहा है। और ये महमूद बेगरह ऑफ गुजरात और राणा संगा ऑफ मेवाड़ के कंटेम्प्रोरी रहे हैं। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो एम्पायर वो डिसइंटीग्रेट हो गया था तुगलक डायनेस्टी के डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो ये जो गुजरात के रूलर रहे आपके महमूद बेगरह, इनके कंटेम्प्रोरी रहे कौन, तो आपके सिकंदर लोधी, एज वेल एज राणा संगा ऑफ मेवाड़ इनके कंटेम्प्रोरी रहे कौन, तो सिकंदर लोधी। और ये जरूर याद रखना सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी का निर्माण करवाया था और उन्होंने अपने कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया था। और इन्होंने ऑक्टरी ड्यूटी ग्रेन्स के ऊपर जो लगाई जाती थी उनको खत्म किया, याद रखना इन्होंने खत्म किया, लगाया नहीं खत्म किया ऑक्टरी ड्यूटी ऑन ग्रेन्स को। एंड इन्होंने न्यू मेजरमेंट की स्थापना की, न्यू मेजरमेंट ऑफ द यार्ड जिसको कहते हैं गज ए सिकंदरी। तो बस इतना पता होना चाहिए गज ए सिकंदरी इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट टूल कह सकते हो, मेजरमेंट टूल ऑफ द यार्ड। यार्ड यानी कि आपका जो खेत होता था उसको जो मेजर किए जाते थे, लैंड जो होता था उसको मेजर जो किए जाते थे वो आपका गजे ए सिकंदरी कहलाता था। ये टूल इन्हीं के द्वारा डिवाइस की गई थी, है ना। तो एंड सिकंदर वाज ऑर्थोडॉक्स एंड इन्होंने जजिया को रीइम्पोज कर दिया था हिंदूज के ऊपर। एंड ही वाज ए पोएट एंड कंपोज्ड अंडर द पेन नेम गुलरु। तो ये जो है अपने एक तो इनका नाम सिकंदर लोधी था लेकिन जब ये कविता लिखते थे तो इनका जो पेन नेम था वो था गुलरुक। एंड सिकंदर लोधी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी। एंड अगर हम बात करें इब्राहिम लोधी की तो आप देख सकते हो इनका पीरियड 1517 से 1526 के बीच रहा। और 1526 आप याद करो ये वो ईयर होगा जब जो बाबर है वो इन्वेट करेगा इंडिया को और अल्टीमेटली पूरी जो आपकी लोधी डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और अल्टीमेटली मुगल रूल आ जाएगा। एंड अगर हम बात करें इब्राहिम लोधी की तो देख सकते हो ही वॉज लास्ट लोधी सुल्तान ऑफ दिल्ली। एंड इब्राहिम लोधी को डिफीट किया गया था जैसा कि मैंने बोला 1526 में। और जो बैटल है जिसमें इनको डिफीट किया गया वो है आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एंड ही वॉज एरोगेंट एंड अपने ही नोबल्स को ये खुले कोर्ट में बेइज्जत कर देते थे। तो जाहिर सी बात है नोबल्स तो इस इंतजार में होंगे ही कि भाई साहब कब आप हमें मौका दो और कब आपको गद्दी से उठा दे। तो वही बात थी ये जो मौके दे रहे थे, ह्यूमिलिएट करते थे नोबल्स को ओपन कोर्ट्स में। तो अल्टीमेटली वन ऑफ द नोबल जैसे आपका दौलत खान लोधी जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे उस समय, उन्होंने बाबर को न्योता दे दिया कि भाई साहब कुछ ऐसे नमूने यहाँ पर मौजूद है तो आप आइए इनको सबक सिखाइए। तो वही हुआ द गवर्नर ऑफ पंजाब जो कि आपके दौलत खान लोधी है, इन्होंने इन्वाइट किया बाबर को कि आप इंडिया या दिल्ली को इन्वाइट करिए। एंड अल्टीमेटली बाबर उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और लोधी डायनेस्टी गायब हो जाता है और मुगल एम्पायर का राइज हो जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात है जिमी जो है प्रोटेक्टेड पीपल अंडर द मुस्लिम रूल, यानी कि लेट्स से कि मुस्लिम रूल आपका अलाउद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया सिस्टम लेकर आया, जजिया सिस्टम किसके ऊपर, प्रोटेक्टेड पीपल के ऊपर। यहाँ प्रोटेक्टेड पीपल कौन है, हिंदू कम्युनिटी, इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था सो दैट इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इन्हीं को जिमी कहा जाता था, प्रोटेक्टेड पीपल अंडर द मुस्लिम रूल। एंड जवाबित की बात करें तो ये सुल्तान का खुद का रेगुलेशन था जो वो मुस्लिम लोग को सप्लीमेंट करने के लिए किया करते थे, यूज किया करते थे। यानी कि देर वाज मुस्लिम लॉज जो आपके रिलीजियस ऑथोरिटीज के द्वारा लिखी जाती थी, चलाई जाती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दूसरा था सुल्तान के खुद के रेगुलेशन, तो जो सुल्तान के खुद के रेगुलेशन हुआ करते थे टू सप्लीमेंट द मुस्लिम लॉ उनको जवाबित कहा जाता था। एंड जहानदारी, जहानदारी वाज सेकुलर कंसिडरेशन। और बुक अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से बुक लिखे जाते थे, तो देख सकते हो तुगलक नामा, तारीख़े अलाई एंड आशिका, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए। आपको 199% रटा होना चाहिए कि तुगलक नामा, तारीख़े अलाई और आशिक ये अमीर खुसरो का टेक्स्ट है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा
हमीर रासो ये सरंग धारा के द्वारा एन पतवाए जहां दरी बरानी के द्वारा एन पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, इसके बारे में तो हमने चर्चा की। और मलिक मोहम्मद जैसी जौनपुर के रहने वाले थे। एंड अगर हम बेसिक ओवरव्यू देखें दिल्ली सुल्तान की, तो बात करते हैं बेसिक ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जाहिर सी बात है पावरफुल एंड हाईली सेंट्रलाइज। एंड जब ये अपने जेनिथ फेज में था तो दिल्ली एम्पायर या दिल्ली सल्तनत का जो रूल है वो तो मदुरई साउथ इंडिया तक एक्सटेंड था, कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया। एंड जो सुल्तान्स थे वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा के रूप में देखा करते थे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा, खलीफा का मतलब जो हेड है मुस्लिम कम्युनिटी का ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिलीजियस हेड, उनको खलीफा कहा जाता था। तो देख सकते हो द सुल्तान्स कंसीडर्ड देमसेल्फ एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द खलीफा एट बगदाद, जो बैठता था ल्यूटेंट ऑफ द फेथफुल, है ना। तो यही बात है। एंड दे इंक्लूडेड द नेम ऑफ खलीफा इन द खुतबा और प्रेयर। तो जो भी खुतबा या प्रेयर होता था उसमें खलीफा के नेम जो है यूज किए जाते थे, एज वेल क्वाइंस में भी लिखाए जाते थे। एंड जो ऑफिस है सुल्तान का वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुप्रीम पॉलिटिकल मिलिट्री एज वेल लीगल अथॉरिटी। एंड जो किंग होते थे वो कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस, तो ये भी हमने देखा। एंड साथ ही साथ ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड जस्टिस। तो भाई साहब किंग है तो लॉ एंड जस्टिस और मिलिट्री फोर्सेस और सब तो इन्हीं के कंट्रोल में है ना। एंड ये जरूर याद रखना देर वॉज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि हमने देखा कि कभी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक उसका दामाद आ जाता है, कभी उसकी बेटी आ जाती है, फिर उसको डिथ्रोन करने के बाद दूसरी डायनेस्टी आ जाती है, फिर तीसरी डायनेस्टी, फिर फॉरेनर जो आपके तैमूर है उनके द्वारा अपॉइंट किए गए व्यक्ति आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो क्लियर सक्सेशन नहीं देखने को मिला इस पीरियड में, ये इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर देखने को मिलता है। एंड अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में किस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, तो नायब जिसके बारे में हमने बात किया ही वॉज मोस्ट पावरफुल नेक्स्ट टू द किंग, और इनको सारे पावर्स अप्रोक्स सुल्तान वाले प्राप्त थे एंड एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल ओवर ऑल द डिपार्टमेंट। एंड उसके नेक्स्ट में कौन आता था आपका वजीर, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करता था, और फाइनेंस डिपार्टमेंट हमने आपको बताया दीवाने विजरात कहा जाता था। एंड जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है दीवाने अरीज कौन से हेड करता था, अरीज ए ममलुक, ये सब आप याद रखने, मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अरीज और हेड कौन करता था, अरीज ए ममलुक। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी इस डिपार्टमेंट की, तो सोल्जर्स रिक्रूट करो, साथ ही साथ मिलिट्री डिपार्टमेंट को एडमिनिस्टर करो, क्या कमी है क्या नहीं, क्या आने हैं क्या लेके जाने हैं, कौन से हथियार बनाने हैं नहीं बनाने हैं, इस प्रकार की मेंटेनेंस कंट्रोल ये सब यह डिपार्टमेंट करता था। एंड वी हैव दीवाने रिसालत, एंड दीवाने रिसालत की बात करें तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर, तो जाहिर सी बात है ये जो डिपार्टमेंट है वो रिलीजियस मैटर्स को देखेगा, और इसको हेड किया जाता था चीफ सदर के द्वारा, ये आपको पता होने चाहिए थे, ये चीफ सदर के द्वारा हेड किए जाते थे, और जो भी ग्रांट दिए जाते थे इस डिपार्टमेंट के द्वारा वो आपका मॉस्क के कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते थे, टॉम्स के कंस्ट्रक्शन, मदरसाज के कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के लिए खर्च किए जाते थे, और जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है उसको हेड किया जाता था काजी के द्वारा। याद रखना है सदर के द्वारा आपका रिलीजियस डिपार्टमेंट दीवानी रिसालत को हेड किया जाता था, जबकि जुडिशियल डिपार्टमेंट को काजी के द्वारा हेड किया जाता था, और मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर शरिया ये सिविल मैटर से फॉलो किए जाते थे, और हिंदूज को अपने पर्सनल लॉज के आधार पर गवर्न करवाए जाते थे, यानी कि उनकी जो खुद की पर्सनल लॉज है उनके अनुसार उनको गवर्न किया जाता था, और उनके जो केसेस है वो डिस्पेंस किए जाते थे विलेज पंचायत के द्वारा, और जो क्रिमिनल लॉ है वो रूल्स और रेगुलेशन जो सुल्तान बनाया करते थे उन पर आधारित होता था। एंड देर वॉज ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कह सकते हो, है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन जिसको दीवाने इंसा कहते थे, अच्छे से याद रखना है ये जो दीवाने इंसा है इट इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, और जो भी कम्युनिकेशन होने का रहता था रूलर और ऑफिशियल्स के बीच में वो ये डिपार्टमेंट करता था, है ना। एंड वी हैव द वकील ए डार, वकील ए दार बेसिकली ये वो ऑफिसर्स थे जो रेस्पॉन्सिबल थे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डेकोरम एट द कोर्ट, कि भाई साहब कोर्ट में लोगों की पेशी होगी या जज की पेशी होगी जो भी होगी वो उसमें क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या नंबर ऑफ जजेज होंगे, और जैसे आप पांच नहीं है जैसे आप कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करते हैं जो पूरा अरेंजमेंट करता है, कुछ इसी प्रकार से मान के चलो वकील ए डर ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डिकोरम, है ना। तो डिकोरम यानी कि जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कोर्ट के हुआ करते थे उनको मेंटेनेंस में ये आपका वकील ए डर रेस्पॉन्सिबल होता था, ये अच्छे से याद रखना है वकील ए डर। एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देख सकते हो जो प्रोविंसेस थे उनको एकताज कहा जाता था, विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुक्तीज या फिर वाली, याद रखना एकताज कहा जाता था, एकता लैंड नहीं, एकता लैंड सिस्टम,
वो डिफरेंट है, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नीचे, क्योंकि लैंड को भी डिमार्केट किया गया था तीन ग्रुपिंग में। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो प्रोविंसेस को एकताज कहा जाता था, और जैसा कि हमने सुना भी था, देखा भी था कि जो भुक्तीज है वो प्रोविंसेस के नाम हुआ करते थे, पाला और जो आपका एक और कौन सा किंगडम था, हाँ गुजर प्रतिहारा का, तो भुक्तीज। और यहाँ पर उन्हीं प्रोविंसेस को क्या नाम दे दिया जा रहा है, एकताज, एंड इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुक्तीज या फिर वाली। अच्छे से याद रखना, एकता वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुक्ति और वाली, जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका क्या काम था, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, साथ ही साथ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो। एंड प्रोविंसेस को डिवाइड किए गए सिक्स और परंगनाज में, यानी कि जो प्रोविंसेस है एकता जिसको और फर्दर डिवाइड किया गया, और जो सिख था उसको सिखदार हेड करता था, और जो परंगना है, परंगना यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड इट वॉज हेडेड बाय अमीर। ये भी याद रखना है, पहली बात तो यही कि परंगना ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड इट वॉज हेडेड बाय अमीर, एंड जो आपका सिख है ये भी आपका टेरिटोरियल यूनिट है, इट वॉज हेडेड बाय सिख था। और जो विलेज हेडमैन थे इनको मुकद्दम या फिर चौधरी कहा जाता था, अच्छे से याद रखना है, विलेज हेडमैन वॉज नॉन एज मुकद्दम या चौधरी, और विलेज अकाउंटेंट को पटवारी कहा जाता था। और यहाँ देख सकते हो लैंड को बेसिकली तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किए गए थे, एक है आपका एकता लैंड, दूसरा खालसा लैंड, तीसरा इनाम लैंड। और एकता लैंड की बात करें तो मैंने आपको बताया भी था कि ये वो जमीन होती थी जिनको ऑफिशियल्स के द्वारा ऑफिशियल्स को दिया जाता था एज एकता इंस्टेड ऑफ पेमेंट ऑफ फॉर देयर सर्विसेज, यानी कि कोई ऑफिशियल अपना कोई काम करता है, सर्विसेज देता है राजा को या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, तो बदले में उनको सैलरी नहीं, कैश नहीं, क्या मिलेगा, एकता लैंड मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं। और दूसरा है आपका खालसा लैंड, खालसा लैंड वो लैंड हुआ करती थी जो डायरेक्ट सुल्तान के कंट्रोल में था, और यहाँ से जो रेवेन्यू आती थी वो डायरेक्ट सुल्तान को जाता था, और साथ ही साथ जो रेवेन्यू कलेक्ट होते थे वो स्पेंट किए जाते थे, याद रखना, जो रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होते थे वो स्पेंट किए जाते थे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रॉयल कोर्ट। जी हाँ, रॉयल कोर्ट और रॉयल हाउस होल्ड के जो खर्चे हैं, उसकी जो मेंटेनेंस वाली खर्चे, उनको मेंटेन करने के लिए खालसा लैंड से जो रेवेन्यू आते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। एंड वी हैव द इनाम लैंड, और इनाम लैंड नाम से पता चल रहा है जो इनाम में दिए जाते हैं किनको दिए जाएंगे, ग्रांटेड लैंड है रिलीजियस लीडर्स को या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, जैसे मॉस्क बनाना है तो दे दिया, या फिर कोई आपका रिलीजियस लीडर्स है उनको देना है तो दे दिया। और ज्यादातर इसमें ये देखोगे कि जो इनाम लैंड है उन पर टैक्सेस नहीं लगाई जाती थी, है ना। एंड पीजेंट्री पेड 1/3 ऑफ देयर प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू, और कभी कभी 1/2 भी हो जाता था। और ये याद रखना, सरियाज का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, सरियाज आर रेस्ट हाउसेस ऑन द हाईवेज जो मेंटेन किए जाते थे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवलर्स। लेट से कि आप दिल्ली सल्तनत के पीरियड में हो और ये आप रोड पर ट्रेवल कर रहे हो, तो रोड पर ट्रेवल करते करते आप थक गए, तो यहाँ पर एक आपके लिए सरियाज बना दिया गया, और सरियाज में आप जाके आराम कर लिए, चार दिन आप बैठ गए आराम कर लिए, उसके बाद पांचवें दिन निकल कर आप अपनी वापस जर्नी शुरू कर सकते थे। ये आपका सरियाज का कंसेप्ट था, तो सरियाज और रेस्ट हाउसेस ऑन द हाईवे वर मेंटेन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ट्रेवलर। और सेरीकल्चर ये इंट्रोड्यूस किए गए लार्ज स्केल पर, याद रखना सेरीकल्चर का प्रमोशन हुआ, डिमोशन नहीं हुआ। एंड बंगाल एंड गुजरात फेमस थे फॉर देयर क्वालिटी फैब्रिक्स, और कॉम्बे, इनको उस समय गुजरात कहा जाता था, मतलब गुजरात को उस समय कॉम्बे कहा जाता था, एंड इट वॉज फेमस फॉर टेक्सटाइल गोल्ड एंड सिल्वर वर्क, एंड सोनार गांव ये फेमस थे फॉर द रॉ सिल्क एंड मुस्लिन, और इंडियन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट किए जाते थे चाइना को भी। और रॉयल कारखानाज, कारखानाज मैंने आपको बताया जहाँ पर सामानें बनाई जाती थी, वस्तुएं बनाई जाती थी जो सुल्तान को जरूरत होती थी, जो उनके हाउस होल्ड को जरूरत होती थी, लाइक हथियार हो गए या फिर कोई अन्य फिजिकल एसेट्स हो गए, और यहाँ पर स्लेव्स काम करते थे, ये हमने भी डिस्कस किया। एंड गोल्ड कॉइंस या फिर दिनार ये पॉपुलर हुए ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और जब उन्होंने साउथ इंडियन कंक्वेस्ट किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय कॉपर क्वाइन जो है वो लेस इन नंबर थे एंड डेटलेस थे, ये महत्वपूर्ण है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में आपका जो कॉपर क्वाइंस थे वो लेस इन नंबर थे एंड डेटलेस थे, यानी कि डेट उस पर मेंशन नहीं की जाती थी। आज आप क्वाइंस देखोगे तो आपके क्वाइंस में ईयर्स जरूर मेंशन की जाती है, तो कुछ इस प्रकार से। और तुर्क्स ने बहुत सारे नए क्राफ्ट एंड टेक्निक्स इश्यू किए, इंट्रोड्यूस किए, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, इनको इंट्रोड्यूस किया गया तुर्क्स के द्वारा, एंड यूज ऑफ आयरन स्ट्रिप आर्मोर, एंड अल्टीमेटली इससे हुआ क्या, तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ। एंड ये जरूर याद रखना है, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द स्पिनिंग व्हील्स, ये जरूर याद रखना है, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द स्पिनिंग व्हील एंड पोस्टल सिस्टम बेस्ड ऑन रिलेज ऑफ हॉर्सेस या फिर फास्ट रनर्स, यानी कि जो हॉर्सेस के माध्यम से जो
पोस्टल सिस्टम को डेवलप की गई थी कि एक हॉर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफर करेगा जो भी आपका पोस्ट है, दूसरा यहाँ से यहाँ, तीसरा यहाँ से यहाँ, है ना, कुछ इस प्रकार से, या फिर फास्ट रनर्स है ना, तो इस प्रकार से ये सिस्टम डेवलप किया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम इस प्रकार से डेवलप किया गया। एंड ये जरूरी याद रखना है, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द स्पिनिंग व्हील। ये आपका दिल्ली सल्तनत पीरियड में हमने देखा। सोशल लाइफ क्या थी, तो सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो हिंदू सोसाइटी में एज सच उतना ज़्यादा चेंज नहीं आया इस पीरियड में, और देख सकते हो सती की जो प्रैक्टिस रही वो वाइडली प्रिवेलेंट थी, और सेकल्सन्स ऑफ वोमेन एंड वेयरिंग ऑफ पर्दा ये कॉमन हो गया, क्योंकि मैंने बोला कि कल्चरल इन्फ्लुएंस जो इस्लामिक कम्युनिटी का है वो आपका अदर कम्युनिटी जो इंडिया में ऑलरेडी रह रहे थे उन पर पड़ेगा। और यहाँ देख सकते हो अरब से तुर्क ने पर्दा सिस्टम लेकर आया भारत में, तो ये याद रखना है अरब से तुर्क ने पर्दा सिस्टम भारत में लेकर आया था, और ये जो है हिंदू वोमेन के बीच भी वाइड स्प्रेड हुए, खासकर इन द अपर क्लास ऑफ नॉर्थ इंडिया। एंड सल्तनत पीरियड में मुस्लिम सोसाइटी वो डिवाइडेड ही रही थी इनटू द सेवरल एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स, और इसमें भी क्या जो नोबल्स होते थे, नोबल्स भी क्या इटली रेसेस के नहीं होते थे, कुछ आपके तुर्क होते थे, कुछ ईरानियंस, कुछ अफगान्स और कुछ इंडियन मुस्लिम, है ना, इसलिए तो सब में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे कि मेरे द्वारा अपॉइंट किए गए राजा बनेंगे, मेरे द्वारा बनेंगे, मेरे द्वारा बनेंगे, और अल्टीमेटली सब साजिश रचते रहते थे और सब में लड़ाइयाँ होती रहती थी। एंड देयर वॉज नो इंटरमैरिजेज बिटवीन दिस ग्रुप, ये भी आप देख सकते हो, तो ऐसा भी नहीं था, किंग ने स्ट्रिक्ट रूल बना के रखा था कि नो इंटरमैरिजेज अलाउड बिटवीन दिस ग्रुप। सो देख सकते हो इंटीग्रिटी मुस्लिम कम्युनिटी में भी नजर नहीं आई, खासकर अगर इस पीरियड में देखा जाए तो। एंड वेरी रेयरली द हिंदू नोबल्स वेर गिवन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट, एंड हिंदूज वेर कंसीडर्ड जिमी, जिमीज के बारे में हमने बताया, प्रोटेक्टेड पीपल के रूप में हिंदूज को देखा जाता था, फॉर विच दे वेर फोर्स टू पे टैक्स कॉल जजिया। एंड ये देख सकते हो यहाँ पर आप, द तुर्क्स इंट्रोड्यूस आर्चेस डोम्स, ये सब आर्किटेक्चर का स्टाइल है ना, आर्चेस डोम्स लोफ्टी टावर्स, या फिर मिनरेट्स देखते हो आप ताजमहल में वेरियस मिनरेट्स खड़े हैं, तो ये हो गई, एज वेल एज डेकोरेशंस यूजिंग द अरेबिक स्क्रिप्ट, तो ये सब जो तुर्क के द्वारा लाया गया इंडिया में। एंड ये आपको पता होगा कि आर्च या फिर डोम का जो कंसेप्ट है या ना ही तुर्किस का कंसेप्ट है ना ही मुस्लिम इन्वेंशन है, इन्होंने खुद रोम एम्पायर से सीखा था। आप जब रोम एम्पायर के स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इसी प्रकार की सिमिलैरिटी देखने को मिलेंगी, और आपको भी पता है रोम एम्पायर काफी पुराना एम्पायर रहा, और अल्टीमेटली कहा जाता है कि इन्हीं से आर्च या डोम का कंसेप्ट लिया गया था, और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उनको डिजाइन दिया गया था। एंड इंडियन न्यू अबाउट आर्च एंड डोम बट दे डिड नॉट यूज ऑन ए लार्ज स्केल, तो ऐसा नहीं था कि इंडिया के पास आर्च या डोम्स के कंसेप्ट नहीं थे, लेकिन लार्ज स्केल पर नहीं यूज किए जाते थे, मुस्लिम कम्युनिटी या फिर मुस्लिम रूल ने उस कसर को पूरा किया। एंड तुर्क्स ऑल्सो यूज स्लेव एंड बीम मेथड्स इन बिल्डिंग, एंड ये याद रखना, दे ऑल्सो एडेड कलर टू देयर बिल्डिंग्स, कैसे, तो मार्बल्स एड कर रेड एंड येलो सैंड स्टोन्स दीवारों पर लगा कर कलरिंग बिल्डिंग्स को दी जाती थी। एंड इनका एक खास बात यह रहा कि इन्होंने अरबेस्क्यू पैटर्न का कंसेप्ट लेकर आया, अरबेस्क्यू पैटर्न यानी कि क्या होता है कि जो दीवारें हैं, है ना, दीवारों में डिजाइनिंग की जाती थी ज्योमेट्रिक पैटर्न जैसे ऐसे करके, है ना, या फिर आपके कुछ ऐसे फूल वाले डिजाइन हो गए, है ना, तो ये आपका अरबेस्क्यू कंसेप्ट कहा जाता है, जिसमें जियोमेट्रिकल या फ्लोरल डिजाइन यूज किए जाते हैं अलॉन्ग विद इंस्क्रिप्शंस, एंड इसमें आपके वर्सेस ऑफ कुरान लिखे जाते हैं, तो ये आपका अरबेस्क्यू पैटर्न कहा जाता है। एंड दे ऑल्सो फ्रीली बोरोड हिंदू मोटिव्स लाइक स्वास्तिक, तो ये अच्छे से याद रखना है, इन्होंने अपने आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन में हिंदू मोटिव्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे स्वास्तिक को ले लो, एंड बहुत सारे टेम्पल्स और अदर स्ट्रक्चर्स को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया था, और इसके लिए क्रेडिट जो दिया जाता है आपको भी पता है अलाउद्दीन खिलजी को, और भी बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर जो रहे उन सबों ने भी यही किया। फॉर एग्जाम्पल कुबत उल इस्लाम मॉस्क जो कुतुब मीनार के पास है दिल्ली में, उसको बिल्ट किए गए बाय यूजिंग द मटेरियल्स ऑब्टेंड फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग मेनी हिंदू जैन टेंपल्स, है ना, तो बहुत सारे हिंदू जैन टेंपल्स को डिस्ट्रॉय किया, उसके मटेरियल्स लिए गए, और उसके बाद उसी मटेरियल्स का इस्तेमाल कर कुबत उल इस्लाम मॉस्क जो कुतुब मीनार के नजदीक है उसको बनवाया। एंड जो पैलेस कम्प्लेक्स है तुगलकाबाद, वहाँ ब्यूटीफुल लेक भी मौजूद है, और ये बनाया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ घियासुद्दीन तुगलक, ये तो हमने देखा ही था कि घियासुद्दीन तुगलक साहब ने तुगलकाबाद फोर्ट या तुगलकाबाद सिटी बनवाया था। एंड मोहम्मद बिन तुगलक उन्होंने टॉम्ब भी बनाया घियासुद्दीन तुगलक का ऑन हाई प्लेटफॉर्म। एंड जो कोटला फोर्ट आप देखने को मिलता है दिल्ली में, ये फिरोज शाह तुगलक का है, या ना, याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने ही कोटला फोर्ट बनाया था। आई थिंक इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, कौन सा नाम है नया नाम ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इम्पोर्टेंट फीचर्स
जो तुगलक आर्किटेक्चर के रहे हैं ये आपको याद रखना है। स्लोपिंग वॉल्स यानी कि आप मॉस्क में देखोगे तो कुछ ऐसे मॉस्क मिलेंगे आपको जिनके जो वॉल है स्लोपिंग है, कुछ इस प्रकार के वॉल ऐसे करके स्लोपिंग वॉल है। तो स्लोपिंग वॉल का कंसेप्ट तुगलक आर्किटेक्चर में यूज किया गया था, याद रखना है आपको। तुगलक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, स्लोपिंग वॉल्स कंबाइंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्च लिंटेल बीम और हॉज खास आपका एग्जाम्पल है, और ग्रेस एंड स्टोन और मिनिमम डेकोरेशन, ये आपका तुगलक आर्किटेक्चर का फीचर है। याद रखना तुगलक आर्किटेक्चर का फीचर है मिनिमम डेकोरेशन, याद रखना। क्वेश्चन आपको मैक्सिमम डेकोरेशन दे देगा आप गलत कर दोगे, मिनिमम डेकोरेशन आपको याद रखना है ना। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर आपका स्लोपिंग वॉल हो गया, कंबाइंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर लिंटेल एंड बीम, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये याद रखना स्लोपिंग वॉल और मिनिमम डेकोरेशन। और लोदी प्लेस्ड ए बिल्डिंग स्पेशली टॉम्स ऑन हाई प्लेटफॉर्म, तो जो लोदी है जो भी वो बिल्डिंग तैयार करते थे खासकर टॉम्स, वो हाई प्लेटफॉर्म पर, हाई प्लेटफॉर्म पहले हाई प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उसके बाद वो अपना टॉम्स उस पर क्रिएट करेंगे। एंड सम ऑफ द टॉम्स आर प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ गार्डन, जैसे आपका लोदी गार्डन है तो लोदी गार्डन दिल्ली में है। एंड ये जरूर याद रखना डबल डोम जो है वो अनदर फीचर रहा है लोदी आर्किटेक्चर का। डबल डोम यानी कि लेफ्ट से ये एक डोम हुआ और ये दूसरा डोम है, इसको डबल डोम कहते हैं ना, ये डबल डोम का फीचर हुआ। एक डोम आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है और जो दूसरा डोम है यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ना, तो ये आपका डबल डोम फीचर हुआ। तो याद रखना आपको डबल डोम वाज अनदर फीचर ऑफ लोदी आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल मोती की मस्जिद जो सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था ये डबल डोम फीचर है। एंड म्यूजिक के क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा म्यूजिक के क्षेत्र में। पहली बात तो ये कि नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ और वो कौन से हैं, तो सारंगी और रबाब, अच्छे से याद रखना सारंगी और रबाब, ये दो नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। और यहाँ देखो आप आमिर खुसरू जो कि आपका कोर्ट पोएट था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और इन्होंने नए रागाज कंपोज किए और कुछ इन रागाज के नाम देख सकते हो, घोर रागाज एंड सनम रागाज। तो अगर पूछा जाए घोर रागाज और सनम रागाज किनके द्वारा रचना है, तो अमीर खुसरो, याद रखना। एंड ही इवॉल्व्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ लाइट म्यूजिक कॉल्ड एज कवालीज, और कवालीज आप भी सुनते होगे तो कितना आनंदित लगता है सुनने में, और कवालीज इज नथिंग बट ब्लेंडिंग ऑफ हिंदू एंड ईरानियन सिस्टम। तो आप देख सकते हो ये सारा क्रेडिट आपका आमिर खुसरो को जाता है, एज वेल एज ये भी जो इन्वेंशन है सितार का वो भी आमिर खुसरो को ही जाता है, तो इन्वेंशन ऑफ सितार वाज आल्सो एट्रिब्यूटेड टू हिम। एंड जो इंडियन क्लासिकल वर्क है राग दर्पण, ये पर्शियन में ट्रांसलेट किए गए थे ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ फिरोज शाह तुगलक, तो ये भी याद रखना है। राग दर्पण जो कि इंडियन क्लासिकल वर्क है इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। एंड पीर भोधन सूफी सेन थे एंड वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियंस ऑफ दिस पीरियड। एंड राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर ये ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक थे, और इन्होंने यानी कि राजा मान सिंह ने इनकरेज किया कंपोजिशन ऑफ ग्रेट म्यूजिकल वर्क को, और वो आपका कहलाता है मन कौथल। तो मन कौथल वाज बेसिकली ग्रेट म्यूजिकल वर्क जिसको इनकरेज करवाया गया राजा मान सिंह के द्वारा जो ग्वालियर के रूलर रहे थे। एंड लिटरेचर की बात करें तो मोस्ट फेमस हिस्टोरियन जो इस पीरियड में रहे हैं वो है आपके हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरानी एंड शम्स सिराज अफीफ। एंड कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर आपको याद रखने होंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल ये जो बरनीज है यानी कि BARNI बरानी, तो बरानी ने क्या लिखा तारीखे फिरोज शाही, याद रखना तारीखे फिरोज शाही वाज रिटन बाय बरानी, और इसमें तुगलक डायनेस्टी के हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। और मिनहाज उस सिराज इन्होंने तवाकत ए नसीरी ये लिखा जो कि जनरल हिस्ट्री है मुस्लिम डायनेस्टीज का अप टू 1260। तो ये दो बातें और दो टेक्स्ट आपको याद रखने हैं। और तो यहाँ देख सकते हो संस्कृत एंड पर्शियन ये फंक्शन करते थे जो लिंक लैंग्वेज इन द दिल्ली सल्तनत। एंड जिया नक्शबी ये जरूर याद रखना है, जिया नक्शबी ये फर्स्ट वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट संस्कृत स्टोरीज इन टू पर्शियन, तो अच्छे से याद रखना है जिया नक्शबी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत के स्टोरीज को पर्शियन में ट्रांसलेट करना शुरू किया। और ये जो आप देखते हो तुतुनामा या फिर बुक ऑफ द पैरोट ये बेसिकली संस्कृत स्टोरीज का टेक्स्ट बुक होता था, और इसको जिया नक्शबी के ही द्वारा लिखा गया था, और बाद में इन्होंने इसी टेक्स्ट को पर्शियन में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था। एंड अल्टीमेटली बाद में इसको वेरियस लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया जैसे तुर्किश में एंड लाटर मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो याद रखना जिया नक्शबी के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, पहली बात तो ये ही वाज फर्स्ट टू ट्रांसलेट संस्कृत स्टोरीज इनटू पर्शियन, दूसरा इंपॉर्टेंट बात इन्हीं के द्वारा लिखा गया है तुतुनामा
या फिर बुक ऑफ पैरट, और इन्होंने बेसिकली ट्रांसलेट किया इस संस्कृत स्टोरीज को पर्शियन में, एंड बाद में इसका बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन हुआ। एंड जो फेमस राज तरंगिनी, ये राज तरंगिनी किसके द्वारा लिखे गए, कालहाना के द्वारा, और ये आपका जैन उल अबिदी जो कश्मीर के रूलर रहे हैं उनके पीरियड का ये आपका राइटर है ना। तो कालहाना बिलोंग टू द पीरियड ऑफ जैन उल अबिदी द रूलर ऑफ कश्मीर, और इन्होंने क्या लिखा कालहाना साहब ने, राज तरंगिनी एंड मेनी संस्कृत वर्क्स ऑन मेडिसिन म्यूजिक वेयर ट्रांसलेटेड इन टू पर्सियन एंड रीजनल लैंग्वेजेज ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। और देख सकते हो मालधार बासु, ये भी आपको याद रखना है, मालधार बासु इन्होंने श्री कृष्ण विजया को कंपाइल किया था और इनको पेट्रोनाइज दी गई थी। पेट्रोनाइज यानी कि यू कह सकते हो कि रेस्पेक्ट का हो, या फिर यू कह सकते हो कि मदद कह सकते हो, फाइनेंशियल ऐसे फाइनेंशियल की जरूरत होगी तो फाइनेंस दे दिए जाएंगे, कुछ अन्य चीजों की जरूरत होगी तो वो दे दी जाएंगे। पेट्रोनाइज मतलब कि हम उसे चाह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करे, है ना, तो वो था पेट्रोनाइज देना। जैसे बहुत आपने एंशियंट हिस्ट्री में भी सुना होगा कि इस रूलर ने इसको पेट्रोनाइज किया, इस रिलीजन को पेट्रोनाइज किया, यानी कि शरण दी, यानी कि उसको एग्जाइल होने से रोका। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देखो मालधार बासु कंपाइलर ऑफ श्री कृष्ण विजया वाज पेट्रोनाइज बाय बंगाली सुल्तान, एंड मालधार बासु को गुनार राजा खान यानी कि गुण राजा खान का टाइटल दिया गया था। इसको अच्छे से याद रखना, मालधार बासु वाज गिवन द टाइटल ऑफ गुण राजा खान एंड उनके जो सन है उनको भी ऑनर किया गया विद द टाइटल ऑफ सत्य राजा खान। तो देख सकते हो, एंड चांद बरादी ये फेमस हिंदी पोएट रहे थे इस पीरियड के, तो ये भी याद रखना है चांद बरादी, क्योंकि आप समझ सकते हो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चांद बरादी ये फेमस हिंदी पोएट रहे हैं इस पीरियड के, एंड बंगाली लिटरेचर हैज ऑल्सो डेवलप्ड, एंड नुसरत शाह इन्होंने पेट्रोनाइज किया ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इंटू बंगाली। तो ये देख सकते हो बंगाली लिटरेचर हैज ऑल्सो डेवलप्ड, एंड नुसरत शाह इन्होंने पेट्रोनाइज किया ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इंटू बंगाली। एंड अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत क्यों डिक्लाइन हो गई, तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाती है जिसमें एक फैक्टर था आपका जो तुगलक साहब का एक्सपेरिमेंट रहा वो हो गया, एज वेल एज दिल्ली सुल्तान में डी जनरेशन हो गई, सारे जो रूलर्स वो अपने आप में इंडिपेंडेंसी होने लगे, जहां देखते थे कि वीक सेंट्रल रूलर आ गया सब अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाते थे। उसके बाद तैमूर का इन्वेजन, इन्होंने आपको ही पता है सिकंदर लोधी जो डायनेस्टी बीच में आ गया, तो दिल्ली सल्तनत का ऐसे भी डिक्लाइन हो गया। एंड ग्रीड एंड इनकम्पिटेंसी ऑफ नोबल, नोबल अपने आप में लड़ते झगड़ते रहते थे क्योंकि नोबल्स में भी डिफरेंट फैक्शन थे, है ना, और ये फैक्शन कहीं ना कहीं वॉर ऑफ सक्सेशन का कारण बनते थे। एंड डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वास्टनेस ऑफ एम्पायर, पुअर मींस ऑफ कम्युनिकेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन, डिस्पोटिक एंड मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये सब कुछ कह रहे थे। तो हमने बेसिकली कवर कर लिया है दिल्ली सल्तनत तक, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम रीजनल किंगडम्स की बात करेंगे जिसमें असम का किंगडम आएगा, आपका नेक्स्ट में हम देखेंगे आपका जौनपुरी आएगा, तो ये सब देख लेंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हमने पिछले वीडियोस में भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था और होप आप लोगों को वो लेक्चर पसंद आई होगी, और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना भी जाता है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट को, क्योंकि वो फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है। फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत परेशानियां कह सकते हैं कि आती है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा डीप जाने की जरूरत होती है, थोड़ा सोचने की जरूरत होती है, तब जाके आपको रियलिटी समझ में आती है कि कौन से फिलोसफर या फिर जो आपके व्यक्ति है वो क्या कह रहे हैं। और अभी तक जो हमने अदर लेक्चर्स पढ़े थे जिसमें मुगल पीरियड हो गई या फिर जो दिल्ली सल्तनत हो गई, उसमें इस प्रकार की चीजें नहीं थी। तो हम लोगों ने एक मेजर सेक्शन कंप्लीट कर लिया है और आज जो आपका है वो मुगल पीरियड का सेक्शन कवर किया जाएगा। और मुगल पीरियड की बात करें तो सबसे पहली बात तो यही कि 1526 से इसकी शुरुआत होती है। उसकी शुरुआत कैसे होती है, जब आपका बाबर इन्वेड करता है इंडिया को ऑन द इन्विटेशन ऑफ राणा संगा, तब जाके ये बाबर इंडिया आते हैं और जो आपके इब्राहिम लोदी है उसको हराता है और उसके बाद विजय प्राप्त करता है, और तभी से कह सकते हैं कि जो मुगल रूल है उसकी शुरुआत हो जाती है। और जो दूसरा फेज आप देख सकते हो ये है आपका
1526 से 40 और उसके बाद जो आप गैप देख रहे हो 15 इयर्स का है ना, 40 प्लस 50 प्लस 5 15 इयर्स का देख रहे हो। इट वाज ट्रांजिशन पीरियड जहां पर आपका जो मुगल रूलर था आई थिंक वो हुमायूं था, जिसको शेर शाह सूरी ने, जो कि आपका अफगान इन्वेडर था या अफगान मुस्लिम था, उन्होंने हुमायूं को हराया था और बदले में उन्होंने इस गद्दी पर सीट हासिल कर ली थी। इसलिए ये बीच का फेज जो रहा वो आपका शेर शाह सूरी या फिर सूरी डायनेस्टी का रहा था, इसलिए यहाँ पर आपको मुगल पीरियड नहीं दिखेगा। तो होप आपको ये क्लियरिटी समझ में आई होगी। और जो आपका सेकेंड पीरियड शुरू होता है देख सकते हो 1555 से 1857 के बीच, और 1857 इसीलिए क्योंकि जो आपके बहादुर शाह जफर रहे हैं वो आपको 1857 के दौर में उन्हें राजगद्दी के रूप में जो मिलिट्री रिवोल्ट हुए थे उन्होंने संभाला था, उन्होंने प्रदान किया था, लेकिन बाद में जब मैटर शांत हुआ तो जो बहादुर शाह को डिथ्रोन कर दिया गया और अल्टीमेटली मुगल की अथॉरिटी खत्म हो गई। और इस हिसाब से जो प्रिंसली स्टेट थे वो सब इंडिपेंडेंट हो गए मुगल कंट्रोल से। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये हुआ कि जो ब्रिटिश क्रॉन है उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ये सब बातें हमने देखी और अब हम शुरू करते हैं ग्रेट डिटेल से। सबसे पहली बात तो मुगल की अगर हम रेशियल लिनिएज को जाने तो मुगल्स जो हैं वो डिसेंडेंट थे टू ग्रेट लिनिएज ऑफ रूलर्स का। टू ग्रेट लिनिएज में कौन कौन, तो देख सकते हो बाबर जो कि मुगल एम्पायर इन इंडिया उसको फाउंड करते हैं, वो आपका तिमूर से एसोसिएटेड थे फ्रॉम हिज फादर साइड, यानी कि जो बाबर के पिताश्री थे वो तिमूर के तरफ से एसोसिएटेड थे ना, तो तिमूर की तरफ से लीनियज था। और तिमूर के बारे में आपको भी पता है द ग्रेट एक्वायरर कह सकते हो, इन्होंने बेसिकली भारत में भी इन्वेट किया था अर्ली मेडाइवल पीरियड में, हमने डिस्कस भी की थी। और जो चंगेज खान है वो आप देख सकते हो वो उनके मदर के तरफ से लीनियज थी। तो देख सकते हो दो पावरफुल रूलर्स के तरफ से जो लीनियज बनी वो आपका बाबर के रूप में अवतरित होता है, और कह सकते हैं दैट्स व्हाई बाबर काफी पावरफुल और स्किल्ड पर्सन्स के रूप में उभर कर आया था। एंड बाबर सक्सीडेड हिज फादर एज द रूलर ऑफ फरगना जो कि उज्बेकिस्तान में था, लेकिन जो वहां पर डिस्प्यूट इमर्ज हुई वहां के जो लोकल रूलर थे उनके साथ, और अल्टीमेटली बाबर को वहां से हटना पड़ा, बाबर ने अपने किंगडम खो दिए और वो जो है अफगानिस्तान जो काबुल वाला रीजन है वहां आकर बेसिकली अपना किंगडम इनिशिएट करने का प्रयास किया था। और उसी दौरान जो यहाँ की इंडिया की जो डायनेस्टी थी वो आपको पता है लोधी डायनेस्टी थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोधी डायनेस्टी नोवल्स के प्रति खफा थे। खफा कहने का मतलब ये कि नोवल्स को पसंद नहीं करते थे है ना, और इसीलिए जो आपके अन्य रूलर्स रहे थे इंडिया के उन सब ने मिलकर एक साजिश के थ्रू बाबर को न्योता दिया था कि बाबर साहब आप आइए और इनका कुछ इलाज करिए। तो इनविटेशन एक्सेप्टेड एंड जो बाबर है वो फिर इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं। 1526 का वॉर होता है और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगा जहां पर बाबर का डिसिसिव विक्ट्री होता है इब्राहिम लोदी के ऊपर, एंड अल्टीमेटली शुरुआत हो जाती है मुगल इरा की और ध्वंस हो जाता है लोदी इरा का। एंड अगर हम बात करें रीजंस फॉर बाबर विक्ट्री तो देख सकते हो वन मैन आर्मी कहा जाता है इनको बिकॉज ऑफ देयर टैक्टिक्स एंड स्किल्स इन फाइटिंग द वॉर्स। कम आर्मी के साथ भी ये जो है वॉर को जीत ले सकने की ताकत रखते थे, साथ ही साथ जो इनके दो ऑटोमन मास्टर गनर्स अपने साथ ये लेकर आए थे उस्ताद अली एंड मुस्तफा, तो ये भी जो है कंट्रीब्यूट किया कहीं ना कहीं बाबर के विक्ट्री में। एज वेल एज गन पाउडर का इस्तेमाल भी इस वॉर में किया गया था, एंड साइंटिफिक यूज ऑफ कैवलरी एंड आर्टिलरी टैक्टिक्स, एंड जैसे आपका तुलुगमा एंड द अरावा, एज वेल एज इफेक्टिव यूज ऑफ कैनन्स यानी कि जो तोप है उसका भी इस्तेमाल किया गया था। और इतना ही नहीं, बाबर जब अपने रूल को इस्टेब्लिश करता है भारत में तो उसके साथ साथ उनको या वो अपनी पीरियड काल में बहुत सारे
युद्ध देखने को मिलते हैं ना, तो बाबर भले ही स्टैब्लिश किया हो इंडिया में अपना एम्पायर, लेकिन वो शांति से नहीं रह सका क्योंकि मल्टीपल युद्ध उनको देखने पड़े, करने पड़े। तो आप देख सकते हो बैटल ऑफ खानवा जो 1527 में, और यहाँ पर राणा सांगा को ही डिफीट कर दिया बाबर ने, और राणा सांगा वही रूलर है जिन्होंने इन्वाइट किया था बाबर को एंड अल्टीमेटली अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी। एंड वी हैव द बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, और जो मेदिनी रॉय है इनको डिफीट किया गया था बाबर के द्वारा, एंड विथ दिस रेसिस्टेंस क्रॉस राजपूताना वाज कंप्लीटली सेटल्ड, है ना। तो देख सकते हो मेदिनी रॉय को डिफीट किया गया, और जब इनकी डिफीट की खबर पता चली राजपूताना को, तो और जो बच्चे खुचे रूलर थे वो सब बेसिकली सरेंडर कर दिए एक प्रकार से, उस प्रकार कह सकते हो। एंड वी हैव द बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, यहाँ पर आपको महमूद लोदी को डिफीट किया गया बाबर के द्वारा, जो गद्दी संभालने की सपने देख रहा था दिल्ली की गद्दी को। तो ये देख सकते हो लगातार कंटिन्यूस फाइटिंग 1526, 1527, 1528, 1529, 4 साल लगातार ये फाइट करते हैं, और अल्टीमेटली ये जो है आई थिंक कि बाबर की मृत्यु हो जाती है। ये आप एक बार चेक कर लेना, रियलिटी शायद यही है कि बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बात करते हैं सिग्निफिकेंस जो बाबर के एडवेंट का रहा है इंडिया में। पहली बात तो ये कि जो काबुल और गांधार जो अफगानिस्तान का रीजन था, जो अब इंटीग्रल पार्ट बन गया मुगल एम्पायर का, एज वेल एज जो सिक्योरिटी है अब वो एक्सटर्नल इवेजन्स की, वो अब एशियो रोमे की वजह से वहाँ एक अच्छा दमदार एम्पायर यहाँ पर आ गया है, और गांधार और काबुल तक इसका एक्सटेंशन है, और नॉट ओनली एक्सटेंशन है जो एक्सटर्नल इवेजन्स से अब बचाए जा सकते हैं फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर। एंड बाबर ने पॉपुलराइज किया गन पाउडर के यूज को, कैवलरी एंड आर्टिलरी इन इंडिया, और याद रखना गन पाउडर यूज पहले भी किए जाते थे, बाबर ने पॉपुलराइज किया। अगर स्टेटमेंट आता है बाबर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द गन पाउडर तो गलत होगा, इन्होंने पॉपुलराइज किया था। एज वेल एज ही स्ट्रेंथेंड इंडिया फॉरन ट्रेड एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान, एंड जो बाबर का अराइवल था इन टू इंडिया लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमरॉयड डायनेस्टी इन द रीजन। और बाबर ने न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर इंट्रोड्यूस किया, और संघा और लोदी दोनों को इन्होंने डिफीट किया, और अल्टीमेटली जो बैलेंस ऑफ पावर था उसको अपनी तरफ खींचा, और धीरे धीरे जो आगे के रूलर रहेंगे मुगल रूलर वो एक्सपेंड करेंगे अपनी टेरिटरी को, है ना। जैसे आपका अलाउद्दीन खिलजी है, हुमायूं है, वो सब एक्सपेंड करेगा, और फिर बाबर के कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स की बात करें तो देख सकते हो बाबर ने चार बाग के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। चार बाग यानी कि एक आपका जो पैलेस होगा और चारों तरफ आपका बाग होगा, है ना, बाग यानी कि बगीचे जिसको आप कहते हैं, तो ये आपका चार बाग, और ये देख लो ये चार बाग कुछ इस प्रकार से होंगे। और बिल्ट मॉस्क एट पानीपत एंड संबात इन रोहिलाखंड, और ये जरूर याद रखना बाबर ने तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा ये खुद लिखा था, एंड मासनबी, ये दोनों याद रखना है, बाबरनामा एंड मासनबी, और बाबरनामा का ही दूसरा नाम है आपका तुजुक ए बाबरी। एंड बाबर वाज ए ग्रेट स्कॉलर इन अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेज एज वेल। और बाबर के साथ अब हम चलते हैं, जो सक्सीड किया गया बाबर के जगह पर वो था हुमायूं, जो कि बाबर का पुत्र था, और हुमायूं का एक ट्रांजिशन फेज आएगा। हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये हुमायूं ही था जब सूरी डायनेस्टी या शेरशाह सूरी का अटैक होता है, तो ये जो है शुरुआती 15 वर्ष के लिए अपने एम्पायर को छोड़कर ईरान चले जाते हैं, जहाँ वहाँ के किंग ने शरण दी थी ने, फिर वापस आते हैं, फिर वो इस्टेब्लिश करते हैं अपनी मुगल डायनेस्टी को। तो आप देख सकते हो अगर बेसिक की बात करें तो हुमायूं सक्सीडेड बाबर इन 1530 एंड ही हैड टू डील विद रैपिड ग्रोथ ऑफ पावर ऑफ द अफगान एंड बहादुर शाह जो गुजरात के थे, तो ये सब जो पावर थे, अथॉरिटी थे, ये सब भी राइज कर रहे थे, तो इनको भी डील करना था। एंड देख सकते हो बैटल ऑफ चौसा 1539 इन्हीं के द्वारा फोर्ट किया गया, और जो बैटल ऑफ कनौज है 1540 में जो शेरशाह है उन्होंने डिफीट किया हुमायूं को एंड फोर्स हिम टू फ्ली इंडिया। ये कहानी मैंने आपको बताई कि ये जो लगातार दो बैटल हुए, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कनौज, जिसमें कहीं ना कहीं हुमायूं की हार हो रही थी और अल्टीमेटली शेरशाह की जीत हो रही थी, और इसी के कारण आप बचने के लिए कहीं ना कहीं वो इंडिया को छोड़कर भाग गए, और जो बीच का पीरियड था उस समय वो ईरानियन किंग के शरण में गए, और 1555 में वो फिर से
वापस लौटते हैं और सूरी एम्पायर को ध्वस्त करते हैं और रिकैप्चर करते हैं दिल्ली में, लेकिन उसका जो आगे का जर्नी है वो नहीं देख पाते हैं, आगे के सपने उनके अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगले ही साल वो डेथ कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड हुमायूं ने नया सिटी एट दिल्ली ये स्टेब्लिश किया जिसको इन्होंने नाम दिया दीनपना, एंड मोस्क का भी कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया जैसे जमाली मोस्क एंड मोस्क ऑफ ईशा खान एट दिल्ली। एंड उनकी जो विडो है यानी कि अमीदा बेनू बेगा, इन्होंने हुमायूं टॉम्ब बनवाया था जो कि एक यूनेस्को साइट है, इसको आपको पता होना चाहिए। और हुमायूं की जो सिस्टर है गुलवदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा भी लिखा था, है ना, तो याद रखना हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा था जो हुमायूं की सिस्टर थी। और जो फाउंडेशन है मुगल पेंटिंग की, ये हुमायूं के द्वारा ही लेट डाउन की गई थी जब वो पर्शिया में रह रहे थे, है ना, तो ये बातें आपको याद रखना है। तो जो पर्शिया में रह रहे थे और जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स थे वहाँ जैसे मीर सैयद अली और अब्दुल समाद, उसको भी साथ में इंडिया लेकर आए और ये यहाँ पर फेमस पेंटर्स के रूप में उभर करने के लिए ड्यूरिंग द अकबर रिजीम एज वेल, है ना, तो अकबर रिजीम्स में भी ये जो दो पेंटर्स है वो वर्क किए थे। और उसके बाद देखते हैं जो बीच का ट्रांजिशन फेज रहा 15 साल का, जो शेरशाह सूरी ने बेसिकली एक्वायर किया और सूरी डायनेस्टी की स्थापना की, इनके पीरियड काल की कुछ बातें जानते हैं। तो जो शेरशाह सूरी हैं आप देख सकते हो फाउंडर हैं सूर डायनेस्टी के यानी कि सूरी डायनेस्टी के, और ये सेकेंड अफगान एम्पायर है आफ्टर लोधी, हमने आपको बताया था जो दिल्ली सल्तनत में जो भी रहे हैं आपके एम्पायर वो तुरानियन या तुर्किस बेस्ड थे, और यहाँ पर एक ही था, एक तो आपका लोधी था जो आपका अफगान एम्पायर बेस्ड था और दूसरा आपका शेरशाह सूरी या फिर सूरी डायनेस्टी जो अफगान एम्पायर बेस्ड था, और ओरिजिनल नेम शेरशाह का है वो है फरीद, एंड शेरशाह रूल्ड लास्टेड फॉर 5 ईयर, है ना, शेरशाह के बाद उनका जो दूसरा है रूलर वो गद्दी को स्थापित करते हैं। तो अगर हम बात करें शेरशाह सूरी के समय या फिर सूरी डायनेस्टी की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और क्या कंट्रीब्यूशन इनकी रही है, तो सबसे पहले बात आपको ये याद रखना है कि इन्होंने जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहा है सल्तनत पीरियड का यानी कि दिल्ली सल्तनत पीरियड का, उस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को जारी रखा और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल जो इनके समक्ष रहा करते थे या इन्होंने जो क्रिएट किया था, एक तो है आपका दीवान वजीरात या फिर वजीर, या आपका रेवेन्यू एंड फाइनेंस मैटर को डील करता था, और जो दीवाने अरीज है वो बेसिकली आर्मी के इंचार्ज के रूप में वर्क करता था, और दीवाने रिसालत ये आपका फॉरेन मिनिस्टर था। अच्छे से याद रख लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं या फिर वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। एंड दीवाने इंसा ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड वी हैव द बरीद, और बरीद यानी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर, है ना, तो ये बातें आपको याद रख लिए। और अगर हम बात करें कुछ कंट्रीब्यूशन की, तो देख सकते हो पुराना किला जिसको ओल्ड फोर्ट भी कहते हैं, और उसकी जो मॉस्क है, और शेरशाह की मशोलम भी है सासाराम में, आपको ही पता है ना, तो अगर मशोलम एट सासाराम किसका है तो शेरशाह सूरी का ही है और इन्हीं के दौरान कंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड वी हैव द मलिक मोहम्मद जैसी, इनके बारे में बार बार आप पढ़ोगे अभी 4-5 पेज में मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में और जैसे और बातें जानोगे, देख सकते हो मलिक मोहम्मद जैसी इन्होंने फेमस हिंदी वर्क पद्मावत इन्हीं के समय में लिखा था, है ना, इन्हीं के समय यानी किन्हीं के समय, तो शेरशाह सूरी के समय, है ना, तो ये बात याद रखना। और जो आपके शेरशाह एम्पायर है वो सरकार में डिवाइडेड थे, सरकार यानी कि कह सकते हैं प्रोविंसेस, और जो चीफ सिकदार है इसको अच्छे से याद रखना, चीफ सिकदार ये आपका लॉ एंड ऑर्डर वाले इश्यूज को हैंडल करता था, और जो चीफ मुंसिफ थे वो जज थे, और ये सब देख सकते हो इंचार्ज थे एडमिनिस्ट्रेशन का, इन ईच सरकार, है ना, तो इन ईच सरकार या प्रोविंसेस वी हैव द चीफ सिकदार एंड चीफ मुंसिफ, और चीफ सिकदार यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जो इश्यू को देखता है, चीफ मुंसिफ यानी कि जज को जो देखता है। एंड ये देख लो ईच सरकार वाज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्रांगस, और इसको हमने आपको अच्छे से बताया था कि ये जो एम्पायर है एम्पायर प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस आपकी सरकार में, सरकार इंटू प्रांगणा, इस प्रकार से डिविजन होती थी। एंड जो सिकदार है यहाँ देख सकते हो मिलिट्री ऑफिसर, आमीन यानी कि लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट करते रहते थे वो आपके ऑफिसर हो गए आमीन। एंड वी हैव फोटेदार यानी कि ट्रेजरर ऑफिसर, याद रखना फोटेदार आपका ट्रेजरर ऑफिसर है जो ट्रेजरी यानी कि खजाने की जिम्मेदारी रखते थे, और जो आमीन है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, और जो सिकदार वो मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे, और जो कारकुंस है वो अकाउंटेंट्स हुआ करते थे, और ये सब ऑफिशियल्स जो है इंचार्ज थे एडमिनिस्ट्रेशन का ईच प्रांगणा में, है ना, तो देख सकते हो प्रांगणा में इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स भी तैनात थे।
एंड वी हैव द मौजा. मौजा बेसिकली विलेज को कहा गया है, और ये विलेज आपका लोवेस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था. एंड देयर वाज आल्सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड इक्ताज. एंड जो आपका लैंड रेवेन्यू वेल ऑर्गेनाइज हुआ करती थी, तो आप देख सकते हो लैंड रेवेन्यू वेर वेल ऑर्गेनाइज, और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनको अमीर्स कहा जाता था. इसके बारे में हमने देखा भी है ना, याद रखना आपको रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या कहा जाते थे, अमीर्स. और क्वानगो ये आपके ऑफिसर्स थे इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. तो याद रखना आपको क्वानगो कौन से ऑफिसर्स थे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया करते थे, और अमीर्स जो थे वो कौन थे, तो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. एंड लैंड सर्वे केयरफुली डन की जाती थी, और इन्होंने शेड्यूल ऑफ क्रॉप रेट्स भी इंट्रोड्यूस किया. शेड्यूल ऑफ क्रॉप रेट यानी कि कौन से क्रॉप्स की क्या रेट होगी, उसको उसकी शेड्यूल जारी की जाती थी इनके द्वारा, है ना. तो ही इंट्रोड्यूस अ शेड्यूल ऑफ क्रॉप रेट्स एंड इम्प्रूव्ड लैंड रेवेन्यू बाय अडॉप्टिंग जबते ए हरसाल सिस्टम. और ये जबते ए हरसाल सिस्टम का क्या मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, लैंड असेसमेंट एवरी ईयर किए जाते थे, है ना. तो जबते ए हरसाल यानी कि ईच ईयर लैंड असेसमेंट किए जाते थे. एंड ऑल कल्टिवेबल लैंड जो है उनको तीन क्लासेस में बांटा जाता था, एक तो गुड है, मिडिल है, बैड है. और स्टेट का जो शेयर होता था आपका रेवेन्यू का, तो देख सकते हो 1/3 ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस, और या तो ये कैश में प्रोड्यूस पे किए जाते थे या फिर क्रॉप्स के ही रूप में. और लैंड को मेजर किया जाता था यूजिंग इट्स ओन डिराइव्ड यूनिट जो कि आपका सिकंदरी गज है ना. तो सिकंदरी गज में लैंड को मेजर किए जाते थे, विच कंप्राइजेज 32 पॉइंट्स, है ना. तो एक सिकंदरी गज में आपका 32 पॉइंट्स हो जाती थी. एंड ये जरूर याद रखना, इन्होंने पट्टा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. और पट्टा सिस्टम यानी कि क्या होता है इसके तहत, तो जो पीजेंट है उसको कितना अमाउंट पे करना है अपने लैंड को लेकर एज ए रेवेन्यू, ये आपका पट्टा कहलाता था, है ना. तो इंट्रोड्यूस पट्टा यानी कि अमाउंट ईच पीजेंट हैड टू पे, एंड काबुलियत यानी कि जो आपका एग्रीमेंट किए जाते थे वो आपका काबुलियत कहलाता था, है ना. एंड इन्होंने नए सिल्वर कॉइन्स का भी इंट्रोडक्शन किया कॉल्ड डैम. इसको अच्छे से याद रखना है, इंट्रोड्यूस न्यू सिल्वर कॉइन्स को डैम, एंड दे वर इन सर्कुलेशन टिल 1835. एंड इन्होंने शाही रोड जो है उसको बिल्ट किया. एंड ये जो रोड है आप जानते होंगे इसके बारे में, इसको ग्रैंड ट्रंक रोड का नामीकरण ब्रिटिश पीरियड में किया गया था. और ये रोड आपका इंडस वैली से लेकर सोनार वैली जो बंगाल में वहां तक कनेक्ट करता था, एंड कलकत्ता टू पेशावर अगर देखा जाए तो. एंड ही ऑल्सो बिल्ट शरियाज, और शरियाज यानी कि लॉजिंग, रहने का शरण. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है ट्रेवल कर रहे हो बाय रोड, और आप जा रहे हो थक गए और पता चला कि आपको ये विश्रामालय प्रदान कर दिया जाए तो आप आराम महसूस करेंगे. तो यहाँ आपने रेस्ट कर लिया 4-5 दिन दो भी है, उसके बाद आप फिर से आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये आपका शरियाज है ना. तो ही ऑल्सो बिल्ड शरायज यानी कि लॉजिंग, विच ऑल्सो सर्व्ड एज ए पोस्ट ऑफिस. और बहुत सारे शरायज जो है वो डेवलप हुए मार्केट टाउन्स में. और ईच सराय वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहाना यानी कि कस्टोडियन, एंड ही फॉलोड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस. और ये जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस है आपको ही पता है अलाउद्दीन खिलजी से आपका लिया गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दो मिलिट्री रिफॉर्म किए थे, एक तो आपका डाक सिस्टम, एक आपका चेहरा सिस्टम. और डाक सिस्टम में के ही तहत तो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस की जाती थी. एंड ही मेंटेन हिज पर्सनल रॉयल फोर्स जिसको खासा कैल कहा जाता था. याद रखना खासा कैल कौन है, तो जो पर्सनल रॉयल फोर्स मेंटेन किए जाते थे शेरशाह सूरी के द्वारा, ये आपका खासा कैल कहलाते थे, है ना. और अगर हम बात करें अकबर के रिजीम की, तो अकबर का रिजीम बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, और खासकर इनके पीरियड में जो डेवलपमेंट हुई ये भी आपको महत्वपूर्ण होगा. और अकबर के रिजीम की बात करें तो देख सकते हो 1556 से 1605 यानी कि जो इनके पिताश्री थे हुमायूं, और हुमायूं के डेथ के बाद ये अकबर जो है आपके शासन पर आता है. और साथ ही साथ जैसे ही उन्होंने गद्दी पर बैठ, उसी साल में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, और वहां पर उस बैटल में उन्होंने हेमे को डिफीट किया जो आपका शेरशाह सूरी का वजीर था, है ना. तो सूरी डायनेस्टी का वजीर था, और इसको डिफीट किया गया आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जो अकबर के द्वारा लड़ी गई थी. और बिटवीन दिस 1556 से 60 अकबर जो है वो बैराम खान के रिजेंसी के अंतर्गत रूल किया, यानी कि कहीं ना कहीं अकबर की जो उम्र थी काफ़ी छोटी थी, तो वो उतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे कि वो डायरेक्टली रूल करे किंगडम को या एम्पायर को. इसलिए जो बैराम खान थे उनके अंडर ये जो अकबर है वो डिसीजन देते थे. एंड बैराम जो है वो वकील बने ऑफ द किंगडम विथ टाइटल ऑफ
खाने खनम। तो अगर पूछा जाए खाने खनम किसको टाइटल दिया गया था, वो है आपका बैराम। तो देख सकते हो बैराम खान बेसिकली। एंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी फेमस है, 1576 में हुई थी। और आपको पता होना चाहिए इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो अकबर है उन्होंने राणा प्रताप को डिफीट किया था। फॉलोइंग उसके बाद यानी कि जब राणा प्रताप की डिफीट हुई उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलर्स है, क्योंकि आपको ही पता है राणा प्रताप जो राजपूत डायनेस्टी कह सकते हो उसके एक इम्पोर्टेंट रूलर थे और अकबर के द्वारा इन्हें डिफीट किया गया। और उसके बाद जो अदर राजपूत रूलर्स थे उन्होंने अकबर की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो इसलिए जो गुंजाइश है अदर राजपूत रूलर्स के वॉर की विद अकबर वो खत्म हो गई क्योंकि सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली गई। और मुगल आर्मी जो है इस बैटल में वो लेड की गई थी मानसिंह, ये जरूर याद रखना है ना। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में मुगल के तरफ से यानी कि अकबर के तरफ से मानसिंह जो मुगल आर्मी को लीड किया और जो दूसरी तरफ था वो आपका राणा प्रताप और उसकी आर्मी। एंड इतना ही नहीं, आप देख सकते हो अकबर डिफीटेड द गुजरात रूलर मुजफ्फर शाह एंड इसी विक्ट्री को कॉमोमोरेट करने के लिए उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था एट फतेहपुर सिकरी। और इसको अच्छे से याद रखना, बुलंद दरवाजा का निर्माण पहली बात तो ये जो फतेहपुर सिकरी में है, और पहली बात तो ये कि ये अकबर के द्वारा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जो पर्पज था इसका वो टू कमोमोरेट द विक्ट्री ऑफ द डिफीट ऑफ गुजरात रूलर मुजफ्फर शाह। एंड अकबर ग्रेजुअली इनलार्ज द मुगल एम्पायर टू इंक्लूड मच मोर एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब बेहद ही महत्वपूर्ण आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो देख सकते हो सिमिलर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था कि जो आपका एम्पायर है एंटायर एम्पायर को सुवाज में डिवाइडेड किए थे। एंड सुवाज वाज व्हाट, इट वाज प्रोविंसेस है ना, तो वेरियस प्रोविंसेस में डिवाइड किए गए थे नॉन सुवाज, और उसको गवर्न किए जाते थे सूबेदार के द्वारा। और ये जो है सूबेदार इनको पावर थी कि वो पॉलिटिकल फंक्शन भी कर सकते थे एज वेल एज मिलिट्री फंक्शन भी कर सकते थे। एंड ईच सूबाज या प्रोविंसेस की अपनी अपनी ऑफिसर्स होती थी, जैसे दीवान बख्शी सदर ये सब आपके इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे। एंड इतना ही नहीं, ये तो एक डिवीजन ऑफ एम्पायर हुआ, दूसरा डिवीजन था आपका बेस्ड ऑन लैंड और वो है आपका जागीर। तो जागीर वो लैंड थी जो नोबल्स को एलोकेट की जाती थी या फिर जो मेंबर्स थे रॉयल फैमिली को उनको एलोकेट की जाती थी ना, तो जागीर वेयर द लैंड विच वॉज एलोकेटेड टू द नोबल्स एंड मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। और जो खालसा लैंड था वो बेसिकली उस लैंड को कहा जाता था जो रिजर्व किए जाते थे या फिर डायरेक्ट कंट्रोल में था किंग के हाथों है ना। तो और यहाँ से जो रेवेन्यू आती थी वो रॉयल हाउस होल्ड के खर्च में और जो आपका उनके लिए किया जाता था। तो ये हमने डिस्कस भी किया था जो खालसा लैंड है वो लैंड होती थी जो रिजर्व की जाती थी रॉयल एक्सचेकर के लिए, यानी कि जो भी यहाँ से रेवेन्यू आएगी वो रॉयल हाउस होल्ड के लिए या फिर राजा अपने खर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो तीसरा कैटेगरी है आपका इनाम लैंड, और ये जो है नाम से पता चला इनाम, इनाम यानी कि गिफ्ट। तो गिफ्ट के तौर पर किसे दिए जाएंगे, जाहिर सी बात है रिलीजियस लीडर्स को दिए जाते थे और ये जनरली आपके टैक्स फ्री हुआ करते थे और हाफ ऑफ इट वाज अनकल्टिवेटेड। एंड बात करें लोकल गवर्नमेंट की तो जो परागना है और सरकार है वे सब डिविजन थे प्रोविंसेस के, यानी ईच प्रोविंसेस जो है या सुवास जो है वो सब डिवाइडेड थे इनटू सरकार एंड परागना। और फौजदार देख सकते हो आपका चार्ज था, इंचार्ज था लॉ एंड ऑर्डर का, और अमाल गुजार ये बेसिकली लैंड असेसमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर्स थे, और ये सब आपके चीफ ऑफिसर थे सरकार यानी कि आपका जो सब डिवीजन है प्रोविंसेस का उसको सरकार कहते थे है ना। तो याद रखना फौजदार इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सरकार रीजन, एंड जो आपका अमल गुजार है वो आपका लैंड असेसमेंट एंड रेवेन्यू ऑफ कलेक्शन ऑफिसर, ये आपका सरकार में ही देखने को मिल रहा था। और अगर हम बात करें लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की तो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने जाहिर सी बात है अच्छे खासे सुधार करने का प्रयास एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। और इनकी तरफ से जो पहली सिस्टम इन द रिफॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू आई वो है आपका जब्ती या फिर बंदोबस्त सिस्टम, आपने ये पढ़ा भी होगा ना। तो देख सकते हो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो है आपका जब्ती या फिर बंदोबस्त सिस्टम। और इसमें क्या था तो देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ राजा तोदरमल, और तोदरमल बेसिकली आपको भी पता होंगे ये नवरत्नाज थे अकबर के जो नवरत्नाज में से एक थे। तो विद द हेल्प ऑफ राजा तोदरमल अकबर ने एक्सपेरिमेंट किया लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और शुरुआत में तो इन्होंने जब्ती या फिर बंदोबस्त सिस्टम लेकर आया था। और
उसके बाद इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन आपका दशाला सिस्टम लाया गया, और नाम से ही आप पता लगा सकते हो दशाला यानी कि 10 साल वाला सिस्टम, और 10 साल वाला सिस्टम यानी कि जो रिवेन्यू है उसे फिक्स की जाती थी ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ द लैंड मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 10 ईयर। तो 10 साल यानी कि 10 साल सिस्टम, तो इसके तहत जो रिवेन्यू है वो फिक्स की जाती थी ऑन द एवरेज यील्ड जो लैंड देती थी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस 10 ईयर। एंड मैंने बताया आपको ये इम्प्रूव वर्जन था जब्ती का, और वी हैव द सेकेंड रेवेन्यू रिफॉर्म जो है आपका बट्टाई या फिर घोला या बख्शी सिस्टम, और इसके तहत जो भी प्रोड्यूस होते थे वो डिवाइड किए जाते थे बिटवीन द स्टेट एंड पेजेंट्स इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और पेजेंट को च्वाइस भी दी जाती थी इसके तहत कि भाई साहब आप तो या तो बटाई सिस्टम के तहत अपनी रेवेन्यू पे कर लो या फिर दशाला सिस्टम के तहत पे कर लो, है ना। तो बटाई सिस्टम के तहत प्रोड्यूस जो है वो डिवाइड की जाती थी बिटवीन द स्टेट एंड द पेजेंट्स इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एंड वी हैव द नशाक या कानकुट, इसके तहत जो रेवेन्यू है वो इस अकॉर्डिंग ली जाती थी कि पीजन जो अपने पास्ट में रेवेन्यू पे कर रहा है उसी का आधार मानकर अगली रेवेन्यू को लिया जाता था या कनेक्ट किया जाता था। तो देख सकते हो नशाक या कनकुट में क्या था, रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीजन हैज बीन पेइंग इन द पास्ट। एंड ये जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड। तो अकबर ने लैंड का अनदर कैटेगराइजेशन किया, एक तो पोलाज, और पोलाज यानी कि वो लैंड जो हर साल कल्टीवेट किए जाते थे, पारती यानी कि वो लैंड जो दो साल में एक बार कल्टीवेट किए जाते थे, और चाचर यानी कि वो लैंड जो 3 या 4 साल में एक बार की जाती थी, और बंजर यानी कि जो 5 साल या 5 साल से ज्यादा में एक बार की जाती थी। तो याद रखना बंजर का मतलब ये नहीं कि कभी नहीं कल्टीवेट की जाती थी, 5 साल या फिर 5 से ज्यादा साल के बाद जो कल्टीवेट की जाती थी वो बंजर कहला रही थी अकॉर्डिंग टू द अकबर्स लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है। एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू जो जनरली कैश में किए जाते थे, याद रखना आपको इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखना है, पेमेंट ऑफ रेवेन्यू वाज मेड जनरली इन कैश, और जो क्वानंगोज हैं ये आपके हेरिडेटरी होल्डर्स थे लैंड के, और जो करोरिस हैं वो ऑफिसर्स थे जो अपॉइंट किए जाते थे ऑल ओवर इंडिया, एंड ये जो करोरिस हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कलेक्टिंग द रुपीज। एंड मंसबदारी सिस्टम आपको ही पता है, अकबर ने ही मंसबदारी सिस्टम को लेकर आया था, और इस सिस्टम के तहत जो भी ऑफिसर्स काम करते थे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में उन सबको रैंक या फिर मनसब असाइन किया जाता था, है ना। और ये जो मनसब है वो बेसिकली 3 स्केल ग्रेडेशन था, 3 स्केल ग्रेडेशन यानी कि इनकी 3 कैटेगरीज 3 सब कैटेगरीज थी, और एक में आपका मनसबदार था, और मनसबदार के तहत जो 500 जाट या उससे नीचे वाले के जो भी आपके रैंक थे वो आते थे, और जो दूसरी कैटेगरी थी वो थी आमिर की जिसमें आपके 500 से 2500 जो जाट वाले रैंक के हैं वो आते थे, और जो तीसरी कैटेगरी थी वो आपके आमिर ए उमदा, और इसमें जो 2500 जाट से ज़्यादा रैंक जिनको प्राप्त है उनको रखा जाता था। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम 1, 2, 3 की तरफ जा रहे हैं, मनसबदार, आमिर और आमिर ए उमदा, तो देख सकते हो जो पावर है और जो आपकी वेटेज है ऑफिसर्स की वो बढ़ती जा रही है ना। तो मनसबदार से ज़्यादा पावरफुल आपका आमिर, और आमिर से ज़्यादा पावरफुल आपका आमिर ए उमदा, तो इस प्रकार से रैंकिंग जो है ऑफिसर्स की जाती थी। एंड ये जरूर याद रखना मनसबदारी सिस्टम अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड जो जाट है, जाट फिक्स द पर्सनल स्टेटस एंड सैलरी ऑफ ए पर्सन, है ना। तो जाट यानी कि इसके तहत क्या उसका पर्सनल स्टेटस है, उसकी सैलरी क्या होगी, ये सब फिक्स की जाती थी, जाहिर सी बात है रैंकिंग के आधार पर ही तो फिक्स की जाएंगी ना। एंड शावर रैंक इंडिकेटेड कि जो नंबर ऑफ शावर्स मेंटेन किए जाएंगे बाय पर्सन, और एवरी शावर यानी कि जो हर एक शावर को एटलीस्ट 2 हॉर्सेस तो जरूर मेंटेन किए जाने होते थे। एंड जो मनसब रैंक है वो हेरिडेटरी नहीं था, ये अच्छे से याद रखना है, मनसब रैंक हेरिडेटरी नहीं था, और मनसबदार वेयर पेड बाय असाइनिंग जागीर, है ना। तो मनसबदार को पे अगर करना हो तो जागीर यानी कि लैंड राइट्स भी दे दिए जाते थे, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन ये जरूर याद रखना मनसब रैंक वाज नॉट हेरिडेटरी। एंड अगर बात करें रिलीजियस पॉलिसी की, तो अकबर काफ़ी लिबरल माने जाते हैं, और उनकी लिबरल इस बात में रिफ्लेक्ट होती है कि देख सकते हो इन्होंने जजिया सिस्टम का एबोलिश किया, एज वेल एज पिलग्रिमेज, फोर्सेबल कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर, इन सबको ख़त्म किया। एंड इन्होंने इबादत खाना यानी कि हाउस ऑफ वर्शिप इसको इस्टेब्लिश किया फतेहपुर सिकरी में, और ये जो इबादत खाना है ये यहाँ पर बेसिकली रिलीजियस डिस्कशन किए जाते थे वेरियस रिलीजियस लीडर्स
जो डिफरेंट रिलीजन्स के होते थे उनके साथ मिल बैठकर। एंड अकबर का कहना था कि जो रिलीजियस बिगोट्स है वो ओवर इम्फेसाइज करते हैं रिचुअल और डॉगमा को, है ना। तो देख सकते हो ये स्टेटमेंट अकबर का ही है कि इनका कहना था कि जो रिलीजियस बिगोट्स है वो ओवर इम्फेसाइज करते हैं रिचुअल और डॉगमा को, इसलिए उन्होंने एडवोकेट किया सुलह एक कुल या फिर यूनिवर्सल पीस के आइडिया को, दैट इज द आइडिया ऑफ टॉलरेंस, जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। तो अगर पूछ लिया जाए सुलह कुल के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ये आइडिया आपका अकबर ने दिया था। और बेसिकली इस फिलोसफी के तहत यूनिवर्सल पीस की बात की जाती है एंड आइडिया ऑफ टॉलरेंस की बात की जाती है, जिसके तहत बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए जाएंगे बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। और अबुल फजल ने अकबर की मदद भी की थी फ्रेमिंग ऑफ रीजन ऑफ ग्लोबल गवर्नमेंट अराउंड द आइडिया ऑफ सुलह कुल, यानी कि कैसे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पायर में आपका यूनिवर्सल पीस हो, आपका डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों के बीच, है ना। तो इस प्रकार के फिलोसफी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में उतारे गए और इसके लिए मदद किया गया अबुल फजल के द्वारा अकबर को। और ये जो प्रिंसिपल है अच्छे से याद रखना, फॉलो किए गए जहांगीर के द्वारा भी और शाहजहां के द्वारा भी। एंड इनके बारे में आप जानते ही होंगे 1582 में उन्होंने नया रिलीजन प्रोपोगेट कर दिया दीने लाही या फिर डिवाइन फेथ। एंड ये जो है आपके दीने लाही फिलोसफी जो अकबर ने पेश की, इसके तहत एक गॉड पर विश्वास किया जाता था, याद रखना मल्टी गॉड पर विश्वास नहीं किया जाता था, नो गॉड पर विश्वास नहीं किया जाता था, बट एक गॉड पर जरूर विश्वास किया जाता था। एंड इसमें वो सारे पॉइंट थे जो और रिलीजन्स में कंटेन करते थे और इसके सिर्फ 15 फॉलोवर थे। तो देख सकते हैं जिसमें बीरबल भी एक फॉलोवर था। और जाहिर सी बात है जब इतने कम फॉलोवर है तो अकबर तो कंपेयर नहीं करते होंगे टू हिज न्यू फेथ कि भाई साहब अडॉप्ट कर ही लो। और झारोखा दर्शन भी अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रॉडनिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द इंपीरियल अथॉरिटी एज ए पार्ट ऑफ पॉपुलर फेथ। और मोहम्मद हसन, ये याद रखना है मोहम्मद हसन ये अकबर के फेवरेट कैलियोग्राफर है एंड ही वॉज प्रोफिशियंट इन नस्तालिक, और नस्तालिक यानी कि जो आपका फ्लूइड स्टाइल है कैलियोग्राफी की विथ लॉन्ग हॉरिजेंटल स्ट्रोक, ये है आपका नस्तालिक। और इसमें आपके जो मोहम्मद हसन ये प्रोफिशियंट है ना, और बातें याद रखनी है मोहम्मद हसन अकबर फेवरेट कैलियोग्राफर एंड प्रोफिशियंट इन नस्तालिक। एंड नस्तालिक इज द स्टाइल ऑफ कैलियोग्राफी जिसके तहत वी हैव द फ्लूइड स्टाइल विथ लॉन्ग हॉरिजेंटल स्ट्रोक। और अकबर जो है उन्होंने जहरीन ए कलाम का भी टाइटल दिया था, याद रखना इसको भी, याद रखना जहरीन ए कलाम का टाइटल किसको मिला, मोहम्मद हसन को। और किसने दिया, अकबर ने। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, कौन है मोहम्मद हसन, तो अकबर का फेवरेट कैलियोग्राफर, एंड ये बात याद रखना है ना। एंड क्वाइनेज की बात करें तो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इश्यू किया, इसको अशर्फ या फिर मोहर भी कहा जाता था। एंड ये याद रखो कि ये जो आपके कॉइन्स इश्यू किए जाते थे उसमें डेटिंग्स भी डाली जाने लगी एज पर ए न्यू इलाही इरा विच रिप्लेस द अर्लियर हिजरी इरा। एंड अकबर ने प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस करवाया ऑफ इंस्क्राइबिंग पर्शियन पोएट्री प्रेजिंग द रूलर ऑन क्वाइंस, याद रखना अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया, डिस्करेज नहीं करवाया किस चीज को, प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग पर्शियन पोएट्री जो रूलर को प्रेज करता है क्वाइंस में, है ना। तो ये बातें याद रखना है। और अगर हम बात करें अकबर के नवरत्नाज की, जैसा कि मैंने बोला कि अकबर के जो कोर्ट में नवरत्न यानी कि इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कह सकते हो वो मौजूद होते थे, और इनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहला है आपका अबुल फजल, अबुल फजल आपका एने अकबरी और अकबरनामा ये दोनों लिखे हैं, याद रखना अबुल फजल राइटर ऑफ एने अकबरी एंड अकबरनामा। दूसरा ऑफिसर देख सकते हो नवरत्नाज अब्दुल रहीम खाने खाना, और अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में हमने डिस्कशन भी किया था, ही वॉज ए ग्रेट पोएट एंड ही ट्रांसलेटेड बाबरनामा इन टू तुर्किश लैंग्वेज। एंड बीरबल आपको ही पता है हिंदू एडवाइजर एंड मेन कमांडर कह सकते हो, मुख्य सेनापति कह सकते हो आर्मी का, और अकबर ने ही राजा बीरबल का टाइटल दिया था, है ना। तो बीरबल तो थे, बीरबल को टाइटल राजा बीरबल अकबर ने दिया था, है ना। एंड मिर्जा अजीज को का, इनको कोटाल तास भी कहते थे, एंड वाज द फोस्टर ब्रदर ऑफ अकबर बिल्ट बाय मिर्जा अजीज कोका एज ए मशहूर फॉर हिमसेल्फ। एंड तो ये आपको सिर्फ नाम याद रखने कि मिर्जा अजीज कोका ये भी थे और इनको कोटाल तास भी कहता था। और फैजी जिन्होंने लीलावती को पर्शियन में ट्रांसलेट किया एंड अंडर हिज सुपरविजन महाभारता ट्रांसलेट की गई पर्शियन लैंग्वेज में, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राजा मानसिंह ये भी पता होने चाहिए, ये मनसबदार थे
और जो आपके राजा तोदरमल है ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, और अकबर जो है इन्हीं को दीवाने अशरफ का टाइटल दिया था। तो ये पता होना चाहिए दीवाने अशरफ का टाइटल किसके द्वारा किनको दिया गया था, राजा तोदरमल को कौन दिया था, अकबर ने, और राजा तोदरमल वन ऑफ द नाइन नवरत्नाज में से एक थे। एंड फकीर अज़ुद्दीन ये वन ऑफ द चीफ एडवाइजर्स ऑफ अकबर। एंड वी हैव द तानसेन जो म्यूजिशियन थे, याद रखना तानसेन भी थे अकबर के नवरत्नाज में से, है ना। तो म्यूजिशियन हिंदू ऑफ ग्वालियर, एंड ये शुरुआत में किंग रामचंद्र को सर्व किया करते थे, और किंग रामचंद्र ने ही तानसेन का टाइटल दिया था, और अकबर ने इनको मियाँ का टाइटल दिया, है ना। तो तानसेन का टाइटल किंग रामचंद्र ने दिया था, लेकिन मियाँ का टाइटल आपको अकबर ने दिया था। एंड आर्ट की बात करें तो देख सकते हो हजनमा, और हजनमा बेसिकली कलेक्शन है 1200 पेंटिंग्स का, और ये अकबर के रिजीम में ही तैयार किए गए थे। और यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग ये इंट्रोड्यूस की गई पुर्तगीज पृष्ठ के द्वारा इन द कोर्ट ऑफ द अकबर। और जसवंत एंड दासवंत ये फेमस पेंटर रहे हैं, ये आपको याद रखने ही है। पर्शियन पोएट जो इनके कोर्ट में रहे हैं, वी हैव द अबुल फजल, और उनके जो ब्रदर हैं अबुल फैजी, तारिक अल्फी, उतीब एंड नासिर। एंड हिंदी पोएट जो कोर्ट में रहे हैं, देख सकते हो तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था, ये तो पता है, याद रखना हिंदी पोएट अकबर के कोर्ट में रह चुके हैं, तुलसीदास, इन्होंने रामचरितमानस लिखा। एंड अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन, और उसके लिए उन्होंने मकताब खाना ही सेटअप कर दिया था, और मकताब खाना इज नथिंग बट ट्रांसलेशन ब्यूरो, इसको सेटअप कर दिया गया था फतेहपुर सिकरी में फॉर दिस पर्पज। एंड जो रजमना है ना, रजनमा, वो पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का, इसको अच्छे से याद रखना, रजनमा पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का, रामायण का नहीं। एंड अकबर पीरियड वाज पॉपुलरली नोन एज रेनेसा ऑफ पर्शियन लिटरेचर। एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो इन्होंने जो पैलेस कम फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो बनाया फतेहपुर सिकरी में, विच इज नोन फॉर सिटी ऑफ विक्ट्री, एंड बहुत सारे बिल्डिंग्स गुजराती और बंगाली स्टाइल्स में बनाए गए इस कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो फतेहपुर सिकरी कॉम्प्लेक्स में, और गुजराती स्टाइल कहा जाता है, इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट फॉर हिज राजपूत वाइफ। एंड अकबर ने दीवाने आम, यानी कि दीवाने आम मतलब क्या है, पब्लिक, तो दीवाने आम यानी कि हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, और दीवाने खास यानी कि हॉल ऑफ प्राइवेट, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कह सकते हैं यहाँ मिलकर बातें करते हैं। एंड द मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग जो रहा है वो आप देख सकते हैं जामा मस्जिद, और जो गेटवे जो इसका रहा है बुलंद दरवाजा, एंड शेख सलीम चिश्ती दरगाह। एंड अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो फतेहपुर सिकरी मिलेगी आपको जोधाबाई पैलेस, आपको पता होना चाहिए पंचमहल विथ फाइव स्टोरीज, है ना, तो ये सब बातें पता होनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग द अकबर रिजीम जो हुमायूं की टॉम्ब है वो दिल्ली में बनाई गई थी, अच्छे से याद रखना, अकबर के समय काल में हुमायूं का टॉम्ब दिल्ली में बनाया गया था, और ये आपका मार्बल से कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इसे प्रीकर्सर ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है। और जो अकबर का टॉम्ब है सिकंदरा में नियर आगरा, ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, और इन्होंने आगरा फोर्ट जो है रेड सैंडस्टोन में बनवाए थे। एंड ऑल्सो जहांगीर महल इन इट इन अकॉर्डेंस टू द हिंदू डिजाइन। सो ये थी फ्रेंड्स हमारा अकबर और अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में, और लेट्स कंटिन्यू टू जहांगीर।